बीपीएससी 143, ठीक है। और इसमें क्या है, दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन पेपर को क्या करूँगा, मैं पूरा सोल्व करवाऊँगा, ठीक है। दिसंबर 22 वाला भी सोल्व करवाऊँगा, साथ में जो जून 2022 में एग्ज़ाम हुआ है वो भी मैं सोल्व करके ही बताऊँगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी बताऊँगा, साथ में मैं उसका आंसर भी बताऊँगा, यानी ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है बीच इसका सोल्व भी रहने वाला है, ठीक है। तो ये सोल्व भी रहेगा, तो आप इस पूरी वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ेंगी। इसे काफ़ी आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी अच्छे खासे से कवर भी हो जाएगा। ये 2 साल के क्वेश्चन पेपर को लेकर के मैं पूरा बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो पहले ये जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश मीडियम में है और साथ में वो क्या है, हिंदी मीडियम में है, ठीक है। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व करूँगा वो मोस्टली हिंदी मीडियम का ही करूँगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सिर्फ मीडियम लैंग्वेज का फ़र्क है, बाकी तो चीज़ें एक ही रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा बीपीएससी 143, ये दिसंबर 2022 का है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा है, इसमें 300 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। जैसे आपको टोटल इसमें तो मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं 8 के 8 करवाऊंगा, इसमें कोई ऐसा नहीं रहेगा कि 2 3 करना है, मैं 8 के 8 बताऊंगा, A to Z बताऊंगा, ठीक है, पूरा, क्योंकि सोल्व करना है, ठीक है। तो इसमें से अगर आप देखिएगा भाग एक में, देखिएगा भाग एक में पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, केंद्र राज्य के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों की विस्तृत व्याख्या कीजिए, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि जो केंद्र सरकार है और जो हमारी राज्य सरकार है उनके बीच विधायी संबंध क्या होते हैं और प्रशासनिक संबंध क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखनी पड़ेगी, किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे, उसकी भूमिका लिखते हैं। तो भूमिका में आप सब लोग लिखेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी और प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे केंद्र और राज्यों के बीच में सीधे तौर पर शक्तियों का बंटवारा होता है, आप सबको पता होगा ना कि शक्तियों का बंटवारा होता है, एक कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास होती हैं, कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। इस शक्तियों का बंटवारा कहाँ पर होता है, संविधान में होता, संविधान में ये बिल्कुल क्लियर है कि केंद्र सरकार किन चीजों पर कानून बनाएगी और राज्य सरकार किन चीजों पर कानून बनाएगी। अनुच्छेद 246 में ये चीजें बताई गई हैं कि संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची रखी गई है, ठीक है। संविधान में क्या 3 सूचियां बनाई, जैसे संघ सूची है, राज्य सूची है, और उसके साथ क्या है, एक समवर्ती सूची है, ठीक है, जिस पर केंद्र किन विषयों पर कानून बनाएगा, राज्य किन विषयों पर कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की सरकारें मिलकर के कानून बना सकती, उस सूची में जितने विषय शामिल किए गए हैं, ठीक है। इतना आप क्या लिखेंगे, इसकी भूमिका में लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में इतना लिखा जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, केंद्र और राज्य में एक हेडिंग्स लेंगे, ठीक है, डीप हेडिंग नहीं रहेगी इसका, केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध, क्या लिखेंगे, केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध लिखेंगे, ठीक है। और विधायी संबंध लिखने बाद हम क्या लिखेंगे, तो एक छोटा सा डायग्राम बना लेना, ठीक है। जैसे मैंने सर्कल यहां पर लगाया तो बीच में लिख देना केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध लिख लेना, ठीक है। केंद्र राज्य में यहां लिख देना विधायी संबंध, यहां पर लिखना आप संघ सूची, इसमें लिख देना यहां पर संघ सूची, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, राज्य सूची, इसके बीच में लिख लेना, ठीक है। और यहाँ तीसरा आप क्या लिखेंगे, समवर्ती सूची, ठीक है। एक हल्का सा डायग्राम ए इसको बना लेना, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर लिखना पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखेंगे, संघ सूची। देखो संघ सूची क्या होती है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। देखो संघ सूची में वह विषय शामिल किए जाते हैं जिनमें केंद्र सरकार क्या करती है, कानूनों को बनाती है। यानी पहला हमारा संघ सूची बन गई हेडिंग, और हेडिंग में क्या लिखेंगे, संघ सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें केंद्रीय सरकार यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वह कानून को बनाती है, और संघ सूची में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट संघ सूची में जो विषय यानी सब्जेक्ट हैं वो टोटल 100 विषय हैं, यानी 100 ऐसे टॉपिक हैं, 100 ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। कौन कौन से विषय हैं, जैसे भैया विदेशी मामले हैं, कोई दूसरे देश का मामला, जैसे पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध आने चाहिए, अमेरिका के साथ कैसे संबंध होगा, चीन के साथ कैसे रिलेशन होगा, विदेशी मामले, संचार यानी कम्युनिकेशन में, ठीक है, नागरिक उड्डयन यानी विमान उमान जो हवाई जहाज उड़ते हैं उसी को बोला जाता है नागरिक उड्डयन,
नागरिक उड्डयन में, रेलवे में, इन ये सभी जो है अंतर व्यापार है, बैंकिंग है, मुद्रा है, इन सभी विषय पर जो कानून बनाएगा कौन? केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार। अभी प्रेजेंट टाइम में केंद्र में किसकी सरकार है? नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो यानी केंद्र सरकार जो है वह कानून बनाएगी संघ सूची पर, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? हेडिंग नंबर दूसरी लेंगे। दूसरी हेडिंग में हम क्या लिखेंगे? राज्य सूची, ठीक है, लिखेंगे राज्य सूची। और फिर इसी राज्य सूची को हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। तो राज्य सूची में आप क्या लिखेंगे? ध्यान सुना, राज्य सूची में उन विषय को शामिल किया गया है जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती है। राज्य सरकार किसे कहते हैं? जैसे आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा सरकार है, गवर्नमेंट है। बिहार से तो बिहार की एक सरकार है। दिल्ली है तो वहां पर देख रहेंगे केजरीवाल की सरकार है। महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र की सरकार है। तो हर राज्य में अपनी एक राज्य सरकार। तो राज्य सूची में वही विषय शामिल किए गए हैं जिन पर राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, ठीक है। और राज्य सूची में को कितने विषय हैं? टोटल 61 यानी 61 विषय शामिल किए गए हैं जिस पर क्या होती है? राज्य सरकार कानून बनाती है। और राज्य किस पर कानून बना सकता है? उदाहरण एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस पर। पुलिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पुलिस पर राज्य ही कानून बनाता है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर यानी कृषि पर अगर हम बात करें, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर, स्वच्छता पर, स्थानीय प्रशासन पर जो कानून बनाता है वह हमारी राज्य सरकार बनाती हैं, ठीक है। इसको इस प्रकार से आप क्या करेंगे? लिख देंगे, ठीक है। तीसरी जो हम लिखेंगे, तीसरी जो हमारी हेडिंग बनेगी, ध्यान रखना, थर्ड जो हमारी हेडिंग बनेगी वो क्या रहेगी? समवर्ती सूची। तीसरी हेडिंग लिखना, समवर्ती सूची। और फिर उसको ऐसे लाइन खींच करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो, समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची जो होती है उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कानून बना सकती है। यानी केंद्र सरकार भी कानून बना सकती मन करे, और मन करे तो राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। यानी दोनों गवर्नमेंट जो है समवर्ती सूची, सम का मतलब बराबर, सम का मतलब भी बता देता हूँ, सम का मतलब होता है बराबर। यानी केंद्र सरकार को और भाई मेरे राज्य सरकार को दोनों को ये अधिकार होता है कि उसका मन करे तो दोनों कानून बना सकती हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? 52 यानी 52 विषय शामिल है, सब्जेक्ट हैं। और समवर्ती सूची में कौन कौन से चीजें हैं जिन पर केंद्र भी कानून बना लेता है, राज्य भी कानून बना लेता है? तो कौन कौन से विषय हैं, ध्यान से सुनना। जैसे कोई आपराधिक कानून है, देखा होगा ना कि अपराधियों पर कानून केंद्र सरकार भी बनाती, देखते नहीं संसद में अपराधियों के खिलाफ कानून बनाता है और राज्य सरकार भी कानून बनाती। देखा योगी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है अपराधियों के लिए अलग कानून लेकर के आती है। तो कहने का मतलब है कि जैसे अपराधियों पर कोई कानून बनना है तो भैया केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती हैं। और कौन से विषय हैं? जैसे विवाह मैरिज की अगर हम बात करें तो शादी पर राज्य भी कानून बनाएगा, केंद्र भी कानून बनाएगा, दोनों कानून बना सकते हैं। एजुकेशन पर दोनों कानून बनाते हैं। नागरिक प्रक्रिया पर, आर्थिक और सामाजिक नियोजन पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। और एक और बात लिखना कि मान लीजिए कि केंद्र ने भी कानून बना दिया, राज्य ने भी कानून बना दिया, और मान लो कि दोनों के कानून आपस में लड़ रहे हैं, यानी दोनों के कानून क्या है? आपस में टकराव उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे मान लो कि एजुकेशन पर राज्य सरकार ने कोई कानून बना दिया, केंद्र सरकार ने कोई दूसरा कानून इसी पर बना दिया, तो किसका कानून माना जाएगा? बात ही आती है ना कि भाई जब दोनों को अधिकार दे दिया गया है, दोनों को राइट मिल गया है, तो किसके कानून माने जाएंगे? तो इसमें लिखा जाता है, देखो, अगर समवर्ती सूची में केंद्र भी कानून बना दे, राज्य भी कानून बना दे, अगर दोनों के मामले यानी दोनों में अगर किसी प्रकार का टकराव है यानी लड़ाई झगड़ा हो जाती कानूनों को लेकर के, तो जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वही सर्वमान्य होगा, वही माना जाएगा। भाई मेरे, क्या जो केंद्र कानून बनाएगा वही कानून माना जाएगा? अगर दोनों कानून बना देते हैं और उनमें किसी प्रकार का टकराव यानी विवाद हो जाता है, किसी प्रकार की डिबेट विवाद हो जाता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार लड़ पड़ती हैं, तो जो केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसी का कानून माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? उसी के कानून को हम करते हैं। उसके बाद एक चीज आती है, अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है। अगला चौथी हेडिंग इसमें बना लेना, क्या लिखना? अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, यहां पर लिख लेना। और अवशिष्ट शक्तियां क्या थी? ध्यान सुनना, संविधान में अनुच्छेद 248 है जिसमें अवशिष्ट शक्तियां हैं। यानी मान लो
जैसे मान लो कि हमने तीन सूची बना दी भाई, केंद्र की सूची बना दी, राज्य की सूची बना दी, समवर्ती सूची बना दी। भविष्य में यानी फ्यूचर में अगर कोई ऐसी चीज आ गई जिस पर कौन कानून बनाएगा, जैसे मान लो कि अगर बात करो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय इंटरनेट को लेकर के, ठीक है, इंटरनेट पर जो भाई लोगों को धमकी दे रहे हैं या इंटरनेट पर जो फ्रॉड हो रहा है, उस टाइम तो इंटरनेट था ही नहीं, तो उस समय तो कानून बना ही नहीं, तो आज के समय में इंटरनेट। तो भाई अवशिष्ट सूची का मतलब होता है कि वह सूची जिसमें कोई कानून लिखा नहीं गया है कि भविष्य में अगर कोई विषय सामने आएगा, आज के 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद अगर कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो उस पर कौन कानून बनाएगा, तो उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। यानी फ्यूचर में अगर कोई मामला आता है तो उस पर हमारी जो केंद्र सरकार होगी वह क्या करेगी, कानून को बनाएगी। ठीक है, उसके बाद इतना तो आपने लिख दिया। उसी के साथ इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, उन्होंने विधायी शक्तियों तो पूछा था, विधायी शक्ति मैंने बता दी। अब एक हेडिंग आप लिखना, केंद्र और राज्य में प्रशासनिक संबंध, यानी केंद्र जो सरकार होती है और जो राज्य सरकार होती है, प्रशासनिक का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे तुम सबने देखा होगा ना कि केंद्र सरकार में भी IAS होते हैं और IPS होते हैं, सुना होगा तुम सबने, और राज्य सरकार जो होती यहाँ पर भी IAS होता है, यहाँ पर भी IAS और IFS होते हैं, यानी PCS होते हैं। ठीक है, तो इनमें किस प्रकार से रिलेशन होता है, तो प्रशासनिक संबंध वाला इसमें क्या लिखो, ध्यान सुनना। देखो 20 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए बड़ा क्वेश्चन रहेगा और पूरा क्वेश्चन कैसे लिखना हो मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या लिखोगे इसमें, थोड़ा से लिखोगे भारत में केंद्र की कार्यपालिका की शक्तियां पूरे देश में कवर हैं। यानी कह रहे हैं भैया जो केंद्र सरकार है उसकी जो कार्यपालिका है वो पूरे देश को क्या करती है, कवर करती है। जैसे मान लो नरेंद्र मोदी की सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो पूरे देश में लागू होता, तुम सबको पता कि मोदी जी ने कोई कानून बना, जैसे देखा होगा ना कोरोना के समय में पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया, पूरे देश में लग गया था ना, एक ही मिनट में लग गया। वो नोटबंदी भी तुम सबने देखा होगा कि एक ही बार में नोट बंद कर दिया, पूरे देश में बंद हो गया। तो कह रहे हैं कि भैया केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका, अगर केंद्र सरकार कोई उसकी कार्यपालिका अगर कुछ करती है तो पूरे देश में चलता है कानून। ठीक है, उसी तरह राज्य की कार्यपालिका की, राज्य की जो कार्यपालिका है यानी राज्य की जो सरकार है उसके लोग अगर कोई कानून बना देते हैं तो पूरे राज्य के विषय, पूरे राज्य में वो चलता है। ठीक है, हालांकि केंद्र की कार्यपालिका की शक्तियां कई तरह से नियंत्रित रखती है, जैसा कि संविधान में बताया गया। नहीं कह रहा कि केंद्र की जो कार्यपालिका है और राज्य की जो, हम प्रशासनिक संबंध पढ़ रहे हैं तो दोनों की क्या होती, कार्यपालिका बिल्कुल अलग अलग होती हैं, दोनों अपने अकॉर्डिंग क्या करती हैं, कानूनों को बनाती हैं। इसमें जो हमको क्या पहला पॉइंट लिखना पड़ेगा, ध्यान सुनना, पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि राज्यों को केंद्र का दिशा निर्देश। देखो भाई प्रशासन को लेकर के ना केंद्र सरकार राज्यों को बताती है कैसे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो संविधान का जो अनुच्छेद है ना 256, 257, 258 में ये बताए गए हैं कि जो राज्य संघ को निर्देश किए गए विवेचन करते हैं। 1956 में क्या बताया गया कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधायी और ऐसी जो कानून है उनको राज्य लागू करता होगा, यानी जो सुनिश्चित रहे, यानी राज्य क्या करेगा, वो क्या करेगा, केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य को जो भी काम करना होगा उन चीज़ों को क्या करेगी, वो बताएगी तुम्हें कैसे क्या करना है। संघ की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार किसी राज्य पर ऐसे निर्देश देने तक होगा जो सरकार पर इस प्रकार प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि राज्य को किसी प्रकार का हमें क्या करना चाहिए, निर्देश देना चाहिए, तो निर्देश भैया दे सकती है। अनुच्छेद 257 में पता क्या है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका की शक्ति के प्रयोग पर कोई अड़चन ना पड़े। देखो एक बात करो कि अगर केंद्र सरकार है उसकी कार्यपालिका काम कर रही है, राज्य की काम कर रही है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, टकरा जाएंगे ना, लड़ाई हो जाएगी ना, हो सकता ना। लेकिन अनुच्छेद जो संविधान का अनुच्छेद है ना 257 में बताया गया है कि अगर दोनों अगर रहें तो उनमें किसी प्रकार को लेकर के अड़चन यानी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, यानी उसमें इसीलिए दिशा निर्देश दिए गए जो भारत सरकार को प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। राज्य में रेलवे की रक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय के बारे में राज्य को दिशा निर्देश देने तक की संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करेगी। देखो एक चीज बताऊं, जैसे मान लो तुम सबने देखा होगा कि जैसे रेलवे है, बैंक है, इस पर कौन कानून बनाता है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है, बनाती है ना, तुम सबने देखा होगा। लेकिन भैया जो रेलवे है वो तो
हर राज्य में है। जैसे मान लो कि केंद्र सरकार मोदी की सरकार ने क्या रेलवे पर कानून बना दिया, रेलवे बंगाल में है, बंगाल में किसी की और सरकार है, तो भैया बंगाल की जो गवर्नमेंट है ना वो रेलवे स्टेशन की सुरक्षा करेगी, थोड़ी खुला छोड़ देगी रेलवे स्टेशन को जाकर के लूट लो तोड़ फोड़ कर दो सरकारी संपत्ति का, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं होता। नहीं, कहने का मतलब है कि अगर केंद्र सरकार अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर कानून बनाती है, अगर वह राज्य में मौजूद है तो उसकी संपत्ति की सुरक्षा राज्य सरकार करेगी, इन सारी चीज़ों को भी क्या करती है, वह करती है। दूसरा, अगर जैसे अखिल भारतीय सेवा मतलब समझते हो जो आईएएस और आईपीएस होते हैं, इनको लेकर के भी क्या अनुच्छेद जो 312 में सेवाओं का बताया गया है, यानी इनको लेकर के भी अलग अलग चीज़ें बताएंगी कि भाई मेरे जो आईएएस होंगे जो आईपीएस होंगे, देखा होगा ना केंद्र सरकार के भी आईएएस होते हैं और राज्य सरकार में भी आईएएस होते हैं, केंद्र सरकार के भी आईपीएस होते हैं, राज्य सरकार के भी आईपीएस होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं अलग अलग होकर क्या क्या करते हैं, कामों को करते हैं और कार्य को करते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग काम करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि मिलजुल करके काम करेंगे, देखो ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना, इस पहले क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा और इस प्रकार से इस डिटेल में जैसे निष्कर्ष में इसमें चीज़ बच जाएगी, निष्कर्ष भी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है, तो पहले क्वेश्चन में निष्कर्ष क्या लिखेंगे उसको ध्यान सुनना, क्या जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, ठीक है। देखो, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है जो कि संविधान में लिखा गया है। केंद्र जिस पर भी कानून बनाएगा वो संविधान में केंद्र सूची में, यानी राज्य यानी कह सकते हो कि केंद्र सूची यानी जिसको हम बोलते हैं संघ सूची में लिखा गया है। राज्य किस पर कानून बनाएगा, राज्य सूची में बताया गया। राज्य और केंद्र किस पर कानून बनाए गए, वो समवर्ती सूची में बताया, यानी संविधान के अनुसार कह सकते हैं, लास्ट में निष्कर्ष यही निकलता है, संविधान में जो चीज़ें यानी राज्य हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वह संविधान में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं राज्य सरकार को या जो दिशा निर्देश दिए गए केंद्र सरकार को, वह उसी के अनुरूप क्या करेंगी, कार्य को करेंगी और अपनी शक्तियों का प्रयोग वह उसी अनुसार ही करेंगी, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन हो गया, अब हमारा क्या है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्थानीय स्वशासन के क्रमतर विकास पर चर्चा कीजिए। हेलो, दूसरा क्वेश्चन जो आपका रहा है इसका सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसकी भूमिका लिखेंगे। तो सबसे पहले समझ लो स्थानीय स्वशासन होता क्या है। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि जैसे तुम शहर में रहते हो तो वहां पर तुमने देखा होगा कि वहां पर नगर निगम होगा या नगर पालिका होगी। अगर तुम गांव में रहते होगे तो वहाँ पर तुमने सुना होगा कि भैया पंचायत है हमारे यहाँ पर। तो पंचायतों को नगर निगम या नगर पालिका जो होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन बोला जाता है, ठीक है। यही होता स्थानीय स्वशासन, ठीक है। और भारत जब आज़ाद हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो उस समय स्थानीय स्वशासन यानी जिनको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं कि नगर निगम या नगर पालिका या पंचायत के लिए, उस समय ये संवैधानिक नहीं थी। 1992-93 में इनको संविधान में एक प्रकार से लेकर के आया गया, उसी समय से कह सकते स्थानीय स्वशासन जो है वो रहा। पहले अगर संविधान में देखोगे ना तो संविधान में DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय तो नहीं था। लेकिन स्थानीय स्वशासन बने इसके लिए लगातार देश में काम हुआ कि भाई स्थानीय स्वशासन को एक संवैधानिक संस्था बने और स्थानीय स्वशासन हम लेकर गए। इसके लिए क्या किया गया है, सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना तो इसके लिए क्या पहला काम किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं चलेगी। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्या भाई देश का डेवलपमेंट हो, देश का विकास हो और जो सरकार की योजनाएं हो वह देश यानी पूरे देश में फैले। अरे भाई एक बात बताओ, राज्य सरकार है केंद्र सरकार है वह हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकती है, हर इंसान तक नहीं पहुंच सकती है, तुम सबको पता होगा। तो भाई जब राज्य सरकार है, जब केंद्र सरकार है, वह हर अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकती है, तो हमें एक और गवर्नमेंट यानी जिसको हम क्या बोलते हैं लोकल प्रशासन है, लोकल गवर्नमेंट कह लीजिए, उनकी हमें क्या पड़ी, सख्त ज़रूरत पड़ी, ठीक है। और 2 अक्टूबर को एक चीज़ मैं बता दूँ ना, भारत में जो हम पंचायत की बात करते हैं, नगर निगम की बात करते हैं, महात्मा गांधी का बड़ा विचार था कि हम पंचायतों को बनाए और जिससे कि हम अपने गाँव को बहुत ज़्यादा
मजबूत करें पंचायतों के जरिए। तो इसीलिए क्या होता है, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर भारत में कार्यक्रम शुरू किया जाता है। और 1952 में क्या होता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, ठीक है। और एक साल बाद सरकार राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं को शुरू करती है यानी पूरे देश में। और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय इसको शुरू किया गया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा को उन पर लागू किया गया जिन्हें हम CDP ने कवर नहीं किया। राष्ट्रीय विकास सेवाओं को मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता को देश में भाई कि पूरे देश को हमें क्या करना है, राष्ट्र उसके विकास करना है, लेकिन पूरे देश को भाई गांव हर गांव को वैज्ञानिकता और तकनीकी सहायता प्रदान हो सके बहुत मुश्किल था। आप सबको पता होगा ना कि भाई जब देश आज़ाद हुआ है और पूरे देश को हम भाई गांव गांव में वैज्ञानिकता पहुंच जाए, गांव गांव में लोग आधुनिक बन जाएं और सभी को टेक्निकल यानी तकनीकी सहायता मिल जाए तो संभव नहीं था। तो इसीलिए क्या किया गया है, एक काम किया गया, लेकिन वो चीज़ें तकनीकी सहायता जो थी उतनी पहुँच नहीं रही थी क्योंकि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार किया जा सके। राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की शुरुआत के बाद यह संभावना व्यक्त की गई कि ग्रामीण समाज को लक्षित करने के लिए विकास की नीति, भाई हमारे देश तो आज़ाद हो गया, राज्य सरकार बन गई, केंद्र सरकार बन गई, लेकिन गांव का कैसे विकास किया जाए, गांव को कैसे डेवलप किया जाए, सरकार की जो योजनाएं हो गांव तक और कस्बे कस्बे तक जिले जिले तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भाई पूरे इसको किया जाए। उसी के लिए आगे चल करके कह सकते हो कि 1957 में, दूसरा पॉइंट लिखना, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, ध्यान रखना इस क्योंकि हेडिंग में इनको हम लेंगे, हेडिंग लिखना बलवंत राय मेहता समिति और उसके बाद एक्सप्लेन करना, ठीक है। अब जैसे लिख दिया बलवंत राय मेहता समिति और ऐसे लाइन खींच देना, उसके बाद क्या लिखना, ध्यान सुनना, 5 वर्ष बाद यानी 1952 में देश में पहला चुनाव हुआ था, ठीक है, और 5 साल के बाद 1957 में क्या लिखना है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने CDP, ठीक है, सार्वजनिक सहभागिता के स्तर पर आकलन करने और ऐसे उपायों की सिफारिश करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति गए, यानी कह सकते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी ना 1957 में बलवंत राय मेहता एक व्यक्ति हैं, उनके जरिए कमेटी का गठन करती है कि ताकि वो पंचायतों का कैसे गठन किया जा सके, नगर निगम का, नगर पालिका का, ताकि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो गांव गांव तक पहुंच सकें, गांव का डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए इसका गठन किया गया है, ठीक है। समिति ने संवैधानिक रूप से निर्वाचित स्थानीय निकायों की ताकि विकेंद्रीकरण की प्रशासनिक व्यवस्था को कर सके। देखो बलवंत राय की मेहता समिति ने पता क्या बोला, बलवंत राय मेहता समिति ने बताया कि अगर हमें स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना है तो इसको हमें संवैधानिक तरीके से करना पड़ेगा। भैया कैसे, संवैधानिक तरीके से करना पड़ेगा और शक्तियों का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब शक्तियों को बांट देना। जैसे पावर क्या, भाई केंद्र सरकार के हाथ में शक्ति है, राज्य सरकार के हाथ में शक्ति है, तो अगर हमें गांव गांव तक पहुंचना है, गांव का विकास करना है, तो हमें शक्तियों का क्या करना पड़ेगा, विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, यानी हमें लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक लाना पड़ेगा। समिति ने प्रत्येक खंड के लिए पंचायत समिति के कार्यपालक यानी गांव समूह के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पंचायतों का सुझाव दिया, यानी सबसे पहले कह सकते हो कि भारत में बलवंत राय मेहता समिति ने भैया बोला कि पंचायतों का गठन किया जाए और इसको कैसे किया जाएगा, निर्वाचित पंचायतों यानी जो पंचायत बनेगी उसके जो लोग होंगे वह चुनकर के आएंगे, निर्वाचित होकर के यानी वोट डाल करके आएंगे, यानी कह सकते हो कि बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले बताया कि पंचायतों का गठन किया जाएगा और उस पंचायतों में क्या, वो पंचायत कैसे होंगी, इलेक्टेड होंगी, निर्वाचित होंगी, यानी उसको 18 साल से जो ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो डाल करके उसको चुन करके लेकर के आएंगे, या भारत में पंचायती व्यवस्था की उत्पत्ति, यानी कह सकते हो कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए पहला कदम जो था उठाया गया था, जिसको बलवंत राय मेहता समिति ने बोला कि हमें पंचायतों का गठन करना चाहिए जिसमें वोटिंग को लेकर के आओ और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा भी मिलना चाहिए। इसके एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था, इस कदम को लिया गया। त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर के अनेक कदम उठाए गए, परिणाम स्वरूप राज्यों को खंड केंद्रित विकास प्रगति के लिए भिन्न भिन्न, यानी कह सकते हो कि बलवंत राय मेहता समिति ने इस प्रकार के सुझाव दिए कि भैया कि पंचायत उनचायत बना दो,
ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति के बाद पता क्या हुआ, फिर आगे चल करके एक समिति और बनती है, ध्यान रखना, वो नाम, उसका नाम है अशोक मेहता समिति। ये भी व्यक्ति है, इनका नाम है, क्या नाम है, अशोक मेहता समिति, पंचायतों को लेकर के, ध्यान सुना। अब हेडिंग क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट डालोगे और लिखोगे क्या, अशोक मेहता समिति, पूरा लिख देना, मैं आधा ही लिख रहा हूं, ठीक है। और ऐसे दो लाइन मार करके इसको आगे क्या लिखो, ध्यान सुना क्या बोलो। देखो केंद्र में जब देखो 1977 में, ठीक है भैया, 57-58 में तो बलवंत राय मेहता समिति उमिति बन गई, उसके बाद को किसी ने नाम वाम नहीं लिया। क्या होता है कि जब 1977 में यानी 77 में जब सरकार आती है जनता पार्टी की, तो जनता पार्टी पता है क्या करती है, एक अशोक मेहता थे, ये रिटायर्ड जज वज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे बड़े बड़े, इन्हीं लोगों को बनाया जाता था, वो बलवंत राय मेहता भी वही थे और ये अशोक मेहता भी वही हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अशोक मेहता के जो हैं, इनको लेकर के जो जनता पार्टी की सरकार थी, कब, 1957 में पहली बार बात हुआ कि भाई पंचायत पंचायत बनेगी, तो 77 आगे 77 यानी कितने साल, 20 साल बीत गया, तो 20 साल बाद क्या बनी, अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति जनता पार्टी की सरकार बनने के एक साल बाद गठित की गई, उन्होंने दिसंबर 1977 में कह सकते हो कि बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई, जिसने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई सारे सुझाव दिए। यानी अशोक मेहता ने भैया बोला कि भारत में पंचायतें बनाओ, तो पंचायतें मजबूत बने, इसके लिए क्या किया उन्होंने, बहुत सारे कह सकते हो कई सारे उन्होंने क्या किए, सुझाव भी दिए। इस समिति ने अपनी सिफारिशें अगस्त 1978 को सौंपी, और इसने क्या 132 सिफारिश, सिफारिश का मतलब सुझाव देना, भैया केंद्र सरकार के बाद ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, 132 सिफारिशें किसने दी, अशोक मेहता समिति ने। इस समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें थी त्रिस्तरीय व्यवस्था, यानी अशोक मेहता समिति ने क्या बोला कि जो हमें पंचायत बनानी है और जो हमें नगर निगम बनाना है, जो शहर का प्रशासन और गाँव का, इसको तीन स्तर का बनाना, तीन लेयर में बनाना है, ठीक है। जैसे शहर में देखोगे तो तीन लेयर है, क्या, कौन सा तीन लेयर है, मैं बता दूं, शहर में तीन स्तरीय, एक तो सुना, तुम सबने सुना होगा कि बहुत शहरों में नगर निगम है, बड़े बड़े शहर में जैसे दिल्ली मुंबई मुंबई बड़े बड़े शहरों में नगर निगम, जो छोटा थोड़ा सा शहर होता है वहां पर क्या होती है, नगर पालिका, ठीक है, और उससे भी छोटा जो शहर होता है, बिल्कुल छोटा शहर होता है, वहां पर क्या होती है, नगर पंचायत। उसी प्रकार से पंचायतों में भी तीन लेयर बनाने की इन्होंने बात की थी, और उन्होंने बोला था कि जनसंख्या के आधार पर हमें नगर निगम बनाना है, नगर पंचायत बनानी है, पंचायतें, इन सभी चीजों का उन्होंने क्या किया था, सिफारिश की, और इस प्रकार के लिए उन्होंने, और पंचायती राज व्यवस्थाओं को कर लगाने की पूर्ण शक्ति मिलनी चाहिए। यानी अशोक मेहता समिति ने भैया बोला कि जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, यानी पंचायत जो होगी वो टैक्स भी लगा सकती है, इस प्रकार की शक्तियां उसको प्रदान की जाए, ये सारी चीजें बताई गई, ठीक है। उसकी बात क्या हुआ, उसके बाद आगे चल करके एक समिति और बनी, अगला चौथा लिखना, ठीक है, चौथे में क्या लिखोगे, अगली समिति जो बनी जीवीके राव समिति, इनका नाम है जीवीके राव, यह 1985 में बनी, तो लिखना जीवीके राव समिति 1985 यानी, ठीक है, कह सकते हो 1985 में, सॉरी, ठीक है, इसको 85 में 85 में बनाया गया, ठीक है। देखो तो जीवीके राव समिति क्या 85 में आकर के बनती है 77 के बाद, ठीक है, पंचायती निकाय द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए, विकास संबंधी दबाव के लिए इसको बनाया गया, और 1977 की अध्यक्षता में, और इसके बाद इसमें कई सारे अध्यक्षों को संगठित किया गया। इसका प्रमुख कार्य पंचायती राज व्यवस्थाओं के विभिन्न पहलुओं को देखना और गरीबी उन्मूलन, यानी कि जो जीवीका समिति बनी थी इसलिए बनाई गई ताकि पंचायती राज व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से लागू किया जा सके, कि भाई पंचायत को कैसे बनाना है, किस प्रकार से बनाना है, गरीबी उन्मूलन को भी इसमें जोड़ा गया, क्योंकि गांव तक भाई योजनाएं पहुंची और साथ में गरीबी उन्मूलन को भी लेकर के इसमें बनाया गया। पंचायती राज संस्थाओं को सभी स्तरों पर, यानी उन्होंने जो जीवी राव जो समिति, उसने बोला कि जो हमें पंचायतें बनानी है वह हमें सभी स्तर पर बनानी, जिला स्तर पर भी पंचायत बनेगी, ठीक है, तालुका स्तर पर भी पंचायत बनेगी और ग्राम स्तर पर भी पंचायत का गठन किया जाएगा, यानी बोला, उन्होंने बोला था तीनों स्तर पर बनाई जाएगी और इसके लिए समर्थन किया और स्थानीय योजना की जिम्मेदारी देना और ग्रामीण विकास की निगरानी करना, ये सारी चीजें बनाई। लास्ट में जो समिति बनती है वो पांचवी हेडिंग लिखना, ठीक है, पॉइंट नंबर पांच के लिए एलएम सिंघवी समिति, ये बिल्कुल लास्ट की समिति है, 1986 में बनी थी,
इसको किसने बनाया था? राजीव गांधी की सरकार ने। आगे सुना, राजीव गांधी की सरकार ने पंचायती राज की समस्याओं के लिए 1986 में, सॉरी 86 में, यानी 1986 में कह सकते हो, एलएम सिंघवी समिति का गठन किया। 86 में बनती है। सिंघवी समिति ने महत्वपूर्ण सिफारिशें दी और स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा। देखो, सिंघवी की जो समिति थी, एलएम सिंघवी जो थे, उन्होंने क्या बोला कि भैया जो पंचायतें हैं उनको संविधान में दर्जा मिले। यानी जिस प्रकार तुमने देखा कि राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को भैया संविधान में दर्जा मिला है, तो उसी प्रकार से हमारी जो पंचायतें होंगी उनको भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, उनको भी संविधान में दर्जा मिले, इस बात की उन्होंने बल दिया, इसकी उन्होंने सिफारिशें की। इस समिति ने पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी नहीं होने के, देखो जो सिंघवी समिति थी, लास्ट की जो समिति पढ़ रहे हैं, इस समिति ने क्या बोला कि पंचायतें तो बनेगी और उनको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन पंचायतों के चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियां नहीं भाग लेंगी, राजनैतिक दल नहीं भाग लेंगे, इस बात को बोला गया था, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप राजीव गांधी की सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और 1992 और 93 में कह सकते हो आकर के इस देश में पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन किया गया। तो इस प्रकार से कह सकते हो कि भारत में कई सारी समितियां बनाते 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 लास्ट में जो सिंघवी समिति थी उन्होंने क्या बोला कि भैया पंचायत समिति, पंचायत बने और उसको संवैधानिक दर्जा मिले जिसमें पोलिंग पार्टियां नहीं भाग लेंगी, और आगे चल करके 92 में जाकर करके क्या होता है कि इस देश में पंचायतों का गठन किया जाता है। इसमें कई सारी समितियां हैं, उसको ध्यान रखना। पहली जो समिति है वो बलवंत राय मेहता समिति है, दूसरी अशोक मेहता समिति, क्योंकि दोनों सिमिलर नाम है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद है जीवी के राव समिति और लास्ट में है एलएम सिंघवी समिति। ये सारी समितियां हैं। इसी प्रकार से जो आपका दूसरा क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर में, स्थानीय स्वशासन के क्रमतर विकास की चर्चा कीजिए, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो दो क्वेश्चन थे, वो दोनों मैंने बता दिए। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या है, जो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की स्वायत्तता मांगों का परीक्षण कीजिए। यानी स्वायत्तता का मतलब होता स्वतंत्रता, ठीक है। यानी जो क्षेत्रीय दल थे, पहले आप सबको पता कि भाई पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी, जब हमारा देश आजाद हुआ तो पूरे देश में कांग्रेस थी, राज्य में भी कांग्रेस थी, तो केंद्र में भी कांग्रेस हो, राज्य में भी कांग्रेस हो, जब दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार रहती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब केंद्र में कांग्रेस कमजोर पड़ी, कई सारे राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दल जीत करके आ गए, तो भैया केंद्र सरकार जो रहती थी और राज्य सरकार में क्या विवाद हो जाता था, झगड़ा हो जाता था, लड़ाई हो जाती थी। तो इसीलिए बात आई कि क्षेत्रीय दलों ने, यानी जो रीजनल पार्टियां थी, केंद्र में कांग्रेस है और राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार है, तो कहती थी कि हमें भैया ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दो। क्वेश्चन वही बात कर रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रीय दलों की स्वायत्तता मांगों का परीक्षण के लिए, तो सबसे पहले इसकी हम क्या लिखेंगे, भूमिका लिखेंगे। किसी भी क्वेश्चन की सबसे पहले क्या लिखी जाती है, भूमिका, ठीक है। तो भूमिका में क्या लिखा जाएगा, ध्यान सुनना, भारत के विभिन्न राज्यों और दलों का प्रतिनिधित्व करती क्षेत्रीय पार्टियों का राजनीतिक पार्टियों का एक ताकत के रूप में उभरी पहली बार 67 से 72 के बीच में। देखो इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखना, जब हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस की सरकार बहुत मजबूती रूप से देश में आती है और सभी राज्यों में कांग्रेस जीत करके आती है। यानी केंद्र में भी कांग्रेस आई, राज्य में भी कांग्रेस आई, लेकिन आगे चल करके पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु होती है उसके बाद कांग्रेस कमजोर पड़ती है और कांग्रेस पार्टी कई सारे राज्यों में इलेक्शन हार जाती है। क्या लिखना, कई सारे राज्यों में इलेक्शन हार जाती है और उन राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें आ जाती हैं, ठीक है। और क्षेत्रीय दलों की सरकार आने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कई सारे विवाद खड़े हो जाते हैं और इन्हीं विवादों को लेकर के जो क्षेत्रीय दल होते हैं वह अपनी स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता की मांग करने लग जाते हैं और कई सारी बातें आने लग जाती हैं। यानी जब देश में चौथा आम चुनाव होता है तो उस समय कांग्रेस बहुत कमजोर हो जाती है, कमजोर विकट पर थी और कई सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हार गई। और जब कांग्रेस कई सारे राज्यों में इलेक्शन हार जाती है तो उसके बाद वहां पर क्षेत्रीय दल रीजनल पार्टी आ जाती हैं। तो जब रीजनल पार्टियां
राज्य में है और केंद्र में कांग्रेस थी तो उसमें विवाद खड़ा होता था। जब विवाद खड़ा हुआ तब क्षेत्रीय दलों ने स्वतंत्रता की मांग की, स्वायत्तता की मांग की, भाई राज्य सरकारों को भी ज़्यादा से ज़्यादा राइट मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि केंद्र सरकार जो बता रही है हम सब वही मानते चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इतना आपको भूमिका में लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर वन, उसके बाद क्या लिखोगे, क्षेत्रीय दलों की स्वायत्तता मांगों का परीक्षण। पहला पॉइंट, पहली पार्टी कौन है, पहली पार्टी का नाम मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, द्रविण मुनेत्र कड़गम, यानी इसका नाम है डीएमके। करुणा निधि का नाम सुना होगा ना, अभी प्रेजेंट टाइम में एमके स्टालिन कहाँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। तो भैया तमिलनाडु में ना डीएमके जीत गई, केंद्र में कांग्रेस थी, तमिलनाडु में डीएमके आ गई। तो भैया केंद्र की जो सरकार थी वो डीएमके पार्टी को क्या काम वाम नहीं करने देती थी ना, जैसे मोदी जी केजरीवाल को कई बार काम नहीं करने देते। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ पढ़ाने के लिए तुम सबको बता रहा हूँ। ठीक है, यानी क्या है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को की लड़ाई झगड़ा हो जाता था। तो भैया तमिलनाडु में क्या थी, डीएमके आ गई और केंद्र में कांग्रेस थी, तो क्या हुआ वहाँ पर दिक्कत हो गई। तो द्रविड़ मुनेत्र का इसको द्रविड़ पार्टी बोला जाता है, तमिलनाडु की प्रमुख पार्टी है और क्षेत्रीय दलों की स्वायत्तता का इन्होंने क्या उठाया, मुद्दा उठाया। यानी सबसे पहले डीएमके जो पार्टी है उसने बोला कि भाई जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी स्वायत्तता को लेकर के, वो जब सरकार में आते हैं तो उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता मिले, इसको लेकर के उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। और 1960 के दशक में कह सकते हो, और इन्होंने जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल को भी उन्होंने शामिल किया और देश की अखंडता को गंभीर खतरे के रूप में देखा। बढ़ती अलगाववादी प्रवृत्ति के साथ 1960 के दशक में केंद्र सरकार ने अलगाववादी प्रवृत्तियों को कुचलने के लिए 61वें संविधान संशोधन की पहल की, जिसमें विधेयक अधिनियम बना और अलगाववादी विरोधी विधेयक बना और यह विधेयक भारत की संप्रभुता के लिए बनाया गया। 1969 के दशक में डीएमके के नेतृत्व में तमिलनाडु में सरकार ने 3 सदस्य दी। देखो जब डीएमके ना जीत करके तमिलनाडु में आई ना, तो उसने बोला कि भैया हमें तो स्वायत्तता की मांग उसने करने लगी, स्वायत्तता की मांगे होने लगी। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताऊँ, ये तमिलनाडु वालों ने तो अलग देश की मांग कर दी कि हमको देश ही अलग चाहिए, इनके ये हिंदी नहीं पढ़ने वाले लोग हैं। ठीक है, इन्होंने तो पूरा विरोध कर दिया कि स्वायत्तता मानी स्वतंत्रता, इन लोगों ने तो अलग पार्टी की सरकार है, तो इस पार्टी ने बोला कि हम तो अलग देश से ही अलग ही चले जाएंगे, अलग प्रकार की मांग, या सरकार के साथ हमारा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा राइट दो, भाई हम हर चीज़ पर कानून बना ले जाएं, इस प्रकार की उन्होंने मांग की। और डीएमके की सरकार ने, तमिलनाडु की सरकार ने 3 लोगों की समिति का गठन किया जिसको राजमन्नार समिति बोला जाता है। इस समिति ने मुख्य उद्देश्य में केंद्र और राज्यों के संबंधों का अध्ययन किया तथा राज्य को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए संवैधानिक संशोधन। देखो डीएमके पार्टी ने एक समिति बनाई जिसको राजमन्नार समिति बोला जाता है। तो राजमन्नार समिति ने पता क्या बोला, बोला कि जो राज्य सरकारें हैं ना इनको ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दो और इनको काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा खुली छूट मिलने चाहिए और केंद्र सरकार का जो प्रभाव है उसको कम किया जाना चाहिए और राज्य सरकारें जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देने की बात कौन करता है, राजमन्नार समिति और तमिलनाडु की जो डीएमके पार्टी थी उन लोगों ने इसकी बात की। पहले तो डीएमके राजमन्नार समिति ने बात की, दूसरा पंजाब में, पंजाब हमारा दूसरा लिख अकाली दल, ठीक है लिखो दूसरी हेडिंग क्या, अकाली दल पंजाब। तो भैया जो अकाली दल है ना उन्होंने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लेकर के उन्होंने बात की। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में एक इम्पोर्टेंट पार्टी है, तुम देखो बादल परिवार, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, इन सब का नाम सुना होगा, पंजाब से अगर आप होंगे तो आप और अच्छे से जानते होंगे। पंजाब में क्या है, एक रीजनल बड़ी पार्टी है जिसका पंजाब में सिख में कह सकते हो कि बड़ा उसका लीड है या एक कह सकते हो चीज़ें हैं। इन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का आयोजन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकाली दल ने तारा सिंह के नेतृत्व में 1960 की शुरुआत में सिखों के लिए अलग राज्य की मांग और संत फतेह सिंह की अध्यक्षता में भारत में पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब सूबा बनाने की मांग के लेकर के आंदोलन किया। यानी ये जो अकाली दल है ना इन्होंने बोला क्या हमें देश ही अलग दो और एक अलग राज्य की मांग का मुद्दा उठ गया। किसकी मांग का मुद्दा उठा, अलग राज्य की मांग का उठा, कहाँ किसने उठा भैया, अकाली दल ने उठा कि बोला कि हमें अलग स्टेट, पहले तो पंजाब नहीं था ना अलग ना,
तो हरियाणा भी मिक्स था इसके साथ बना हुआ था, तो इन्होंने बोला कि तभी तो हरियाणा पंजाब अलग हो गया, क्योंकि अकालियों ने मुद्दा उठा दिया कि भैया नहीं नहीं हम पंजाबी बोलते हैं, हरियाणा में फलाना बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, इसलिए उन्होंने क्या बोला अकाली दल ने कि अलग अलग पंजाब राज्य की मांग उठी। क्या अलग पंजाब राज्य की मांग 1960 और 1965 के दशक यानी 62 के दशक में उठी, जिसको किसने उठाया, अकाली दल पार्टी जो पंजाब की एक प्रमुख क्षेत्रीय दल था, जिन्होंने उस बात को उठाया और रेखांकित किया कि हमें अलग राज्य की मांग या बात हुई। अक्टूबर 1973 को अकाली दल ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें धार्मिक और राजनीतिक दोनों मांगे शामिल थे। इस प्रस्ताव में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के लिए जाना जाता है। इस प्रस्ताव में पंजाब को स्वायत्ता राज्य के रूप में स्वीकार करने, केंद्र को विदेशी मामले, मुद्रा, रक्षा और संचार सहित केवल 5 दायित्व रखने की बात की गई। देखो पंजाब की सरकार ने क्या किया 1973 में, पंजाब के लोगों ने, भैया पंजाब की सरकार ने बोला कि जो केंद्र सरकार है ना उसको सिर्फ बैंकिंग है, सुरक्षा, ये बातें रखें और सब हमें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता की इन्होंने क्या की मांगे की, किसने की, अकाली दलों ने, अकाली दल ने की। ठीक है, अगला जो है उस पार्टी का नाम लिखा, तीसरा जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगी, तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी कहाँ है, आंध्र प्रदेश की पार्टी जिसको हम TDP बोलते हैं। ठीक है, तो TDP पार्टी ने भी, तेलुगु देशम पार्टी ने भी भारत में आंध्र प्रदेश प्रांत की एक राजनीतिक पार्टी है। आंध्र प्रदेश के इतिहास में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन 1983 में चुनाव में तेलुगु देशम TDP पार्टी जीत करके आई। TDP ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस के आधिपत्य कम समय में समाप्त करने की सफलता, TDP ने अपनी स्थापना 29 मार्च 1982 को NT रामाराव ने, जो कि वो एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, उन्होंने हिंदू पौराणिक पात्र जैसे राम कृष्ण आदि का उन्होंने भूमिका निभाई। तो TDP ने भी भाई बोला कि जो केंद्र सरकार है उसका जो दबदबा है उसको कम करना। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, आंध्र प्रदेश में TDP जो पार्टी है उनका क्या, NT रामाराव भाई आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े नेता हैं। तुम सबने जैसे नाम सुना होगा ना कि बहुत सारे, एक तो साउथ में बड़ी ये चीज़ आप सबने देखा होगा कि वहाँ के जो हीरो रहते हैं, जो फिल्म स्टार रहते हैं, जो जिन लोगों ने फिल्मों में काम करते हैं, वो बहुत बड़े राजनेता भी बनते हैं। ठीक है, जयललिता, ठीक है, MGR, NT रामाराव। तो NT रामाराव क्या हैं, एक फिल्म में काम करते थे, लेकिन आगे चल करके वो मुख्यमंत्री बने। और भाई आंध्र प्रदेश में लंबे समय से कांग्रेस थी, जब वहाँ पर TDP जीत कर आई और मुख्यमंत्री NT रामाराव बने, तब उन्होंने भैया बोला कि राज्य सरकार को, राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्ता मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इस प्रकार की बातें उन्होंने की। ठीक है, TDP नेता NT रामाराव ने मई 1983 को विपक्षी दलों के लिए एक विजयवाड़ा में एक बड़ी रैली बुलाई। बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें बंगलुरु में रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में बुलाई गई दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्री सम्मेलन में केंद्र राज्य संबंध, यानी केंद्र राज्य के संबंधों की इन्होंने समीक्षा की। और इन सभी ने, यानी TDP ने भी भैया क्या बोला कि राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, स्वायत्ता ज़्यादा से ज़्यादा उनको इनको देनी चाहिए। ठीक है, चौथी लिखो, चौथी पार्टी जिसने स्वायत्ता की मांग की जब कांग्रेस केंद्र में कमजोर पड़ी और राज्य में अलग पार्टी आई। अगला पार्टी का नाम लिखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल यानी कश्मीर की पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला। ठीक है भाई, श्रीनगर। देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है, रीजनल। अक्टूबर 1983 को इन्होंने विभिन्न दलों की 50 नेताओं की, जो विपक्ष के नेता थे उन सबको बुलाया, बहुत बड़ा मीटिंग कर दिया। और इन्होंने क्या बोली, अलग नेताओं ने क्या बोला कि इसके जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री थे उस समय फारूक अब्दुल्ला ने इस बैठक की अध्यक्षता की। और इस सम्मेलन में DMK, TDP, अकाली दल, CPI, असम गण परिषद और बहुत सारी विपक्षी पार्टियों ने भाग लिया। और इन सभी नेताओं ने जो राज्य सरकार है उनकी स्वायत्ता की इन्होंने मांग की कि राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या अधिकार मिलने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा राइट मिलने चाहिए। क्योंकि भाई जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जब पूरा देश आज़ादी मिली और राज्यों में ही कांग्रेस थी तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब केंद्र में कांग्रेस रही और राज्य में दूसरी पार्टी आई तो भाई उन पार्टियों ने बोला कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्ता मिलनी चाहिए। इस बात को इन लोगों ने क्या किया, दोहराया। और इस बात को इन लोगों ने कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्ता प्रदान की जाए। ठीक है, भी स्वायत्ता की मांग की। नागा राष्ट्रीय परिषद, नागा राष्ट्रीय परिषद क्या है,
एक तो आप सबको पता होगा ना कि हमारे देश में नागालैंड है ना, तो नागालैंड के लोगों ने भी बोला भैया कि हमें, नागालैंड के लोग तो अलग देश की मांग कर रहे थे। और नागालैंड में क्या है, वहाँ पर एक पार्टी है जिसका नाम है मिजो राष्ट्रीय मोर्चा, ठीक है, मिजो पार्टी उन्होंने बना रखी है, ठीक है। और नागालैंड के लोगों ने भी क्या, एक नागा लोगों का एक दल है, ठीक है, नागा राष्ट्रीय परिषद, और 1940 से आरंभ से 1950 तक सक्रिय रहा। इसका उद्देश्य है संप्रभु नागा राज्य की स्थापना। 1950-60 तक के दशक में नागा और मिजो जनजातियों ने अपने क्षेत्र की स्वायत्ता की मांग की। उन्होंने भैया तो नागालैंड वालों ने तो बोल दिया कि हमें अलग राज्य दे दो, संप्रभु का मतलब होता कि अलग देश बनवा दो हमारा। तो इन लोगों ने मांग की पहाड़ियों के लिए असीमित स्वायत्ता की वकालत की। बोला भैया जो पहाड़ी आदमी, हम लोग पहाड़ वहाड़ में रहते हैं ना, नागालैंड वाले ना, तो हमें अलग स्वायत्ता दो, हमें ज़्यादा दो। तो नागालैंड की जो पार्टी है उसने भी बोला कि राज्य सरकारों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलने चाहिए, राइट मिलने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलने चाहिए, उनको भी अधिकार मिलने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अधिकारों की भी क्या होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। तो इसको लेकर के इन सभी पार्टियों ने काम किया। तो इसमें कैसे लिखोगे, तीसरे क्वेश्चन में सबसे पहले आप लिखेंगे भूमिका लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे पहली पार्टी जो थी जिसने स्वायत्ता की मांग की उसका नाम क्या है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK, जिन्होंने क्या किया, एक राज मन्नार नाम की समिति बनाई और स्वायत्ता की इन्होंने मांग की, राज्य स्वायत्ता की मांग की। दूसरा क्या लिखेंगे, अकाली दल, इन्होंने आनंद सिंह सिंह साहिब प्रस्ताव पारित किया और इन्होंने भी स्वायत्ता की मांग की, ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी जिसको हम TD भी बोलते हैं, NT रामा राव ने भी बहुत सारे विपक्षी नेताओं को बुलाया और उन्होंने भी क्या बोला कि भाई राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्ता मिलनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, अमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, श्रीनगर यानी कश्मीर, इन लोगों ने भी भाई बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टियाँ हैं, जो रीजनल पार्टियाँ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्ता मिलनी चाहिए इन्होंने पार्टी। और नागा राष्ट्रीय परिषद जो है, जो कह सकते हो कि नागालैंड की पार्टी है, इन्होंने भी बोला कि राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्ता मिलनी चाहिए। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको यही लिखना पड़ेगा कि क्षेत्रीय दलों ने स्वायत्ता की मांगे कैसे की, कब की, और कौन कौन से क्षेत्रीय दल थे, कौन कौन से राज्य थे जहाँ पर क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांगे उठ करके हमारे सामने आती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है ना, इसमें आपको 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, 10-10 नंबर का रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, GST काउंसिल, और दूसरा क्या है, DMK। तो सबसे पहले मैं आपको GST काउंसिल के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में क्या लग रहा है भाई, GST लग रहा है, ठीक है। तो GST से रिलेटेड ही क्या है, GST काउंसिल है। तो ध्यान से देखिएगा, GST काउंसिल को लागू होने के बाद, यानी भाई जब से GST काउंसिल लागू हुआ है, GST किस पर काउंसिल लागू हुआ है, जैसे पेट्रोलियम, अल्कोहल और सीमा शुल्क, कर लगाने की शक्तियां समाप्त हो गई। अब देखो क्या हो गया, अभी तक क्या होता था कि जो टैक्स लगता था, केंद्र सरकार भी टैक्स लगाती थी, राज्य सरकार भी टैक्स लगाती थी, कई प्रकार के टैक्स लगते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या बन गया है, अब एक ही टैक्स लगता है, GST, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी GST। लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं, एक तो पेट्रोल है, शराब है और सीमा शुल्क है, यानी जिनको हम अल्कोहल कर रहे हैं, यानी लीकर है जिसको हम बोल सकते हैं, पेट्रोल पर, और दूसरा शराब पर यानी जो अल्कोहल है, ठीक है, और तीसरा क्या, सीमा शुल्क। इस पर राज्य सरकारें भी क्या लगा सकती हैं, टैक्स लगा सकती हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उन पर जो टैक्स लगेगा वो क्यों लगाएगी, केंद्र सरकार लगाएगी, सारा पैसा वही इकट्ठा करेगी और बाद में राज्यों का जो उसमें भुगतान बनेगा, जो उतना उनका परसेंटेज बनेगा, वो क्या करती है, उनको दे देती है, ठीक है। राज्यों की वित्तीय स्थिति काफ़ी गंभीर संकट में है, यानी कह सकते हैं कि पहले राज्य भैया ज़्यादा पैसे कमा लेते थे, अपना टैक्स लगाते थे ज़्यादा ज़्यादा, अब केंद्र सरकार सारा टैक्स लगाती है, अब जो राज्यों की शक्तियाँ क्या हैं, थोड़ी गंभीर हो गई हैं, पूंजी खर्चे में जबरदस्त कटौती देखेगी, यानी अब जो सरकारें हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा नहीं करती। कौन सी सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट यानी जो राज्य सरकारें, क्योंकि सारा जो GST का कलेक्शन है, जो टैक्स का कलेक्शन है, वो कौन कलेक्ट करता है, वो केंद्र सरकार करती है। तो केंद्र सरकार राज्यों को बाद में पैसे देती है, तो राज्यों के पास ज़्यादा पैसे होते नहीं। देखा होगा ना, बीच में जब कोरोना आया था तो केजरीवाल चिल्ला रहे थे ना, पैसा खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, पैसा नहीं है।
तुम सबने देखा होगा ना, मोदी जी पैसा नहीं दे रहे हैं। बाद में तुमने भी देखा होगा कि ममता बनर्जी भी कई बार आरोप लगाती हैं कि केंद्र सरकार बंगाल के हिस्से का पैसा नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है, यानी अब जो पूरा पैसा होता है, यानी जो पूरे देश का टैक्स होता है, वो सब पूरे देश का टैक्स कौन कलेक्ट करता है, वो केंद्र सरकार कलेक्ट करती है, ठीक है, केंद्र सरकार लेगी, ठीक है, और केंद्र सरकार बाद में राज्यों को उनका परसेंटेज देती है। राज्य सरकारें सिर्फ तीन चीजों पर, किस पर, शराब पर, ठीक है, भाई शराब है तो उस पर राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है। दूसरा हमने पेट्रोल पर देखा होगा, इसलिए पेट्रोल के दाम खूब बढ़ते हैं। तुम सबने कोरोना में देखा होगा ना, कोरोना में सबसे पहले किसकी दुकानें खुली, सबसे पहले कोरोना में दुकानें खुली शराब की दुकान खुली। क्यों? क्योंकि राज्य सरकारों की कमाई कम हो गई थी भैया, क्योंकि सारा टैक्स केंद्र के पास जाता है, तो केंद्र का, लेकिन इसलिए राज्य सरकारों सबसे पहले देखा होगा लीकर, यानी जो शराब की दुकान है पहले खुली, क्योंकि शराब है, पेट्रोल है और सीमा शुल्क है, इसी पर राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा कमा रहे हैं। इसलिए देखा पेट्रोल के दाम खूब बढ़ रहे हैं, रीजन ये, क्योंकि देखो टैक्स तो सब पे लग रहा, लेकिन सारा कलेक्शन केंद्र सरकार करती है और फिर केंद्र सरकार वही राज्यों को बांट देती है, ठीक है। कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण 2020 में राजस्व में गिरावट आई। भाई कोरोना जब आया तो तुम सबने देखा होगा कि राज्य सरकारों का जो राजस्व था कम हो गया, क्योंकि उस समय देशबंदी थी, तालाबंदी हो गई। केंद्र सरकार ने मुआवजा का वादा किया जब GST लागू होने के पश्चात घाटा देखने को मिला, लेकिन 30 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने राज्यों को पैसा देने में अपनी असमर्थता, यानी केंद्र सरकार कहती थी कि भैया उतना पैसा नहीं है कि हम सब लोग आपको दे सकें, यानी कोरोना की वजह से जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला कि राज्य सरकारों को हम ज़्यादा उतना पैसा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। वित्त मंत्री ने इस असमर्थता के कारण कोविड-19 को बताया दैवीय घटना, यानी एक्ट ऑफ गॉड थी। अप्रैल 2020 में GST राज्यों का भुगतान बकाया था। इस वर्ष का कुल 3,00,000 करोड़ GST मुआवजा की जरूरत है, जबकि कुल शेष का लगभग 65,000 करोड़ ही एकत्र हुआ। यानी कह सकते हैं कि GST में जितना पैसा कलेक्ट होना चाहिए था उतना पैसा GST से कलेक्ट नहीं हो रहा। केंद्र सरकार को जो राज्य सरकारों को पैसा देना चाहिए उतना पैसा वो दे भी नहीं पा रही, क्योंकि केंद्र सरकार की भैया उतना तो टैक्स ही नहीं कलेक्ट हो रहा जितना हम लोग आप लोग दे सकें। इसलिए देखोगे ना पेट्रोल पर, शराब पर, इन चीज़ों पर देख रहे हो कि जो राज्य सरकारें हैं वो अंधाधुंध पैसा बढ़ाते चले। देखो ना कोरोना में सबसे पहले शराब की दुकानें खुल गई, क्योंकि राज्य सरकार ही शराब से कमा सकती थी। अरे बाकी जितनी चीज़ें हैं डायरेक्ट पैसा केंद्र को जाता है, केंद्र बाद में बांटता है, इसलिए सारी चीज़ें देखने को मिली थी, ठीक है। तो GST काउंसिल अगर आपको एग्जाम में लिखने को आएगा तो आपको यही सारे बातें लिखनी पड़ेगी जो GST लागू ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा क्या है, DMK को लेकर के क्वेश्चन है, ठीक है। 10 नंबर का GST काउंसिल आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन क्या है DMK को लेकर के, देखो एक चीज आपको पता होगा DMK क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, यानी एक राजनीतिक दल है। कहाँ का? दक्षिण भारत का। कहाँ? कौन से स्टेट का? तमिलनाडु का। एक क्या है? क्षेत्रीय पार्टी, यानी रीजनल पार्टी। तमिलनाडु में कह सकते हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है DMK, ठीक है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, द्रविड़ पार्टी है, ठीक है। और वहां पर कह सकते हैं कि ये द्रविड़ पार्टी है, अभी प्रेजेंट टाइम में भी क्या है, इसी जो DMK है इसी पार्टी की अभी भी सरकार चल रही है, यानी अभी भी पॉलिटिकल पार्टी अगर DMK को देखोगे तो अभी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टालिन, ठीक, कौन है, MK स्टालिन, और MK स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री हैं। और ये किसकी पार्टी है, ये DMK ही अभी वहां पर सरकार में बनी हुई है। आप सबने करुणा निधि का नाम सुना होगा ना, तो करुणा निधि की जो पार्टी है ये बहुत पुरानी पार्टी है, ठीक है। 1944 में, कब भाई, 1944 में क्या बनी थी, DMK बनी थी, द्रविड़ पार्टी है, एक AIDMK है, जयललिता का नाम तुम सबने सुना ना, तो उनकी AIDMK है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, ठीक है। क्योंकि ये शब्द आपको काफ़ी वैसे लग रहे हैं, अटपटे से वर्ड आपको दिख रहे होंगे, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इसका मतलब ये, क्योंकि ये द्रविड़ शब्द है, एक तमिल वर्ड है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, DMK, ठीक है, DMK करुणानिधि की पार्टी है, प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन है, और DMK कब बनी, 1944 में बनी थी, ठीक है। और जो DMK पार्टी है वो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या एक जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उससे निकल करके एक नई पार्टी बनती, इसमें पेरियार का भी बड़ा रोल रहा, और पेरियार ने जो पार्टी बनाई थी आगे चल करके वही पार्टी क्या बनी,
डीएमके बनी, पेरियार का नाम आप सब कह सकते हैं कि दूसरा द्रविड़ दक्षिण भारत में आप कह सकते हो कि हिंदी का विरोध में भी डीएमके का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। भाई हिंदी जब देश में लागू करने की बात आती है सबसे पहले विरोध कौन करता है, तमिलनाडु के लोग करते हैं ना, सबसे ज़्यादा विरोध उन्हीं का रहता कि भाई नहीं नहीं हिंदी नहीं लागू करना है, नहीं हो सकता ऐसा है। तो यह कि दूसरा द्रविड़ वही की पार्टी है, प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री भी बने हैं, यह एक क्या है क्षेत्रीय दल है यानी रीजनल पार्टी है, ठीक है, जिसके कई सारे सांसद हैं, कई सारे एमपी भी हैं। अभी इसकी बात करेंगे तो पार्लियामेंट में लगभग अगर इनके देखोगे 30+ इनके मेंबर हैं और इनकी तमिलनाडु में प्रेजेंट टाइम में सरकार भी चल रही है और मुख्यमंत्री भी तमिलनाडु यानी डीएमके जो पार्टी है अभी सरकार में तमिलनाडु में बनी हुई है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन होगा, ये 10-10 नंबर का रहता है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो हमारा रहेगा भाग दो में देखिएगा, भाग दो में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारतीय राज्यों के विकास मॉडल बताओ। ये क्वेश्चन के बारे में जब उस दिन मैं आपको पढ़ा रहा था ना, राज्यों का विकास मॉडल जिक्र किया था ना कि राज्य यानी कौन कौन से राज्य, जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे पंजाब का विकास मॉडल क्या है, तमिलनाडु का विकास मॉडल क्या है, ठीक है। तो इन राज्यों के हम विकास मॉडलों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि भाई हर राज्य का जो विकास मॉडल है वह किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से रहता है, तो विकास मॉडल देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, भारत के विभिन्न राज्यों में विकास मॉडल की चर्चा होती है, जैसे गुजरात मॉडल है, मध्य प्रदेश मॉडल है, केरल मॉडल है, इनकी अक्सर बात होती है। लेकिन भारत का कोई भी राज्य विकास के मामले में आगे नहीं है, यानी कह सकते कि जब कोई राज्य विकास के मामले में आगे जाता या वो कोई चीज़ करता है उसको मॉडल करते। देखो बीच में तुम सबने देखो ना, केजरीवाल भी कहता है दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल क्या है, अरे भाई उसने जो ये पानी फ्री कर दिया है, बस चलवा दी है और ये स्कूल बनवा दिए हैं, इसी को मॉडल केजरीवाल बोल रहे हैं। तो बोलते ना दिल्ली मॉडल, तो दिल्ली मॉडल उनका वही है, यानी ज़्यादा को जनता को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या देना, फ्री वी मीन्स होता है यानी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा। देखो नहीं महिलाओं की बस सुविधा फ्री है, पानी फ्री कर दिया, बिजली हाफ कर दी, वही है ना बिजली हाफ पानी माफ, ऐसा जो उनकी जो योजना चलती है ना, तो यही सारी चीज़ें हैं। देखो दिल्ली मॉडल, उसी प्रकार से जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए तो तुम सब ने सुना होगा कि गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। तो गुजरात में नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, बहुत सारा कंपनी वंपनी लगा दिया था। तो गुजरात यानी देश में ज़्यादातर हम क्या करते हैं मॉडलों की, जैसे केरल, गुजरात, पंजाब, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आर्थिक विकास और वृद्धि में क्या वृद्धि देखी गई और उनके हर एक राज्य क्या है जो आगे बढ़ने का तरीका है अलग अलग, यानी डेवलपमेंट करने का, यानी कोई भी राज्य जो डेवलप हो रहा है, जो डेवलप हो रहा है उसका कारण क्या, इसका रीजन क्या, यानी एग्रीकल्चर रीजन है या वहां पर इंडस्ट्री लग गई है या कोई एजुकेशन में बढ़ी हो गई है या सेक्टर बहुत बेहतर हो गया, ये सारी जब चीज़ें होती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं। और हमारे देश में ऐसे कई राज्यों के जो मॉडल हैं बहुत फेमस हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ बात करेंगे, कुछ चुनिंदा होंगे, ठीक है, कुछ सेलेक्टेड स्टेट होंगे जिनके हम मॉडलों के बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पर चर्चा करेंगे कि वो कुछ सेलेक्टेड ही होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केरल मॉडल की, ठीक है, सबसे पहले कौन सा मॉडल है, केरल मॉडल। अगर मैं केरल मॉडल की बात करूं तो केरल मॉडल में अगर आप देखेंगे तो केरल का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, क्या है, एजुकेशन का डेवलपमेंट है। अरे तुम सबने सुना होगा ना भाई केरल में बहुत पढ़ा लिखा आदमी है ना, सबने सुना है केरल में बहुत पढ़ा लिखा। तो केरल का जो मॉडल है वो एजुकेशन और दूसरा हेल्थ का मॉडल है, क्या है, एजुकेशन एंड हेल्थ का मॉडल है। देखो ना केरल के बहुत सारे लोग दिल्ली में आके रहते हैं, बहुत सारे लोग नर्सिंग वर्सिंग में काम कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर में लोग काम, तो पढ़ा लिखा काफ़ी मॉडल है, ठीक है। और केरल में कह सकते कि वहाँ पर जो मानव विकास सूचांक है या जो इकोनमी है या वहाँ का जो कह सकते कि जो पढ़ाई लिखाई का रेशियो हो वो भारत में बहुत ज़्यादा है ना, तो केरल का जो डेवलपमेंट हुआ, केरल का जो विकास हुआ है वो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के जरिए केरल क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हुआ है, ये उसका है। अगला बात करेंगे जैसे मॉडल में पंजाब का मॉडल, पंजाब भी काफ़ी विकसित राज्य रहा है और पंजाब, तो पंजाब का जो विकास का मॉडल का बात करेंगे तो उसका विकास का पैटर्न क्या है, कृषि का बड़ा योगदान, एग्रीकल्चर बेस है पंजाब, आप समझ रहे हो कि एग्रीकल्चर बेस है, पूरी तरह खेतीहर राज्य है। और बाद में तुम सबने भी देखा होगा जब किसान आंदोलन हुआ तो किसान सबसे ज़्यादा कहाँ से, सबसे ज़्यादा किसान आंदोलन को लेकर के सबसे ज़्यादा आवाज़ कहाँ से उठी, पूरी दिल्ली में कौन लोग आकर बैठे, पूरा पंजाब ही आकर के तो बैठा था। यानी कह सकते कि वहाँ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत मजबूत है और पंजाब जो आगे बढ़
बढ़ा। और पंजाब के डेवलपमेंट में अगर आप देखेंगे कि वहाँ पर लोगों की स्थिति अच्छी हो जाना, उसका रीजन है कि वहाँ पर किसानी यानी खेती बहुत है। जैसे देखा होगा गेहूँ उत्पादन में, कई सारे फसलों के उत्पादन में पंजाब बहुत आगे। पंजाब के साथ कुछ अन्य राज्य जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र भी खाद्यान्न करते हैं, ये भी करते हैं। पंजाब राज्य 1960 के दशक में भारत में खाद्यान्न की कमी पूरा करने वाला राज्य बना। उस समय खाद्य संकट चीन के साथ युद्ध और मानसून के कारण हो रहा था। तो पंजाब में कृषि में परिवर्तन तेजी से सरह जाता है, राज्य को जाता है। इसमें पंजाब में अगर आप देखोगे जैसे गेहूं है, चावल है, इनका बड़ी संख्या में उत्पादन हो रहा है। यही दो फसलें नहीं जो हरित क्रांति को लाभान्वित करती है, इनमें अन्य फसलें की बात करेंगे तो वहां पर काफ़ी डेवलप। दूसरा, पंजाब में आप सबने देखा MSP का काफ़ी बड़ा रोल होगा। ये जब किसान आंदोलन, वहाँ पर आप सबने देखा ना MSP लागू करो, MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी किसान जो फसल बो रहा भाई कम से कम इतने पैसे में तो हम आपकी फसल खरीद ही लेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं MSP लागू करो। तो पंजाब में सरकार ने वहाँ पर MSP लागू की है, यानी मान लो कि अगर किसान MSP का मतलब होता है जैसे मान लो तुमने आलू उगाया है, ठीक है, तो भाई सरकार ने कहा है कि हम 2000 रुपये प्रति क्विंटल आलू खरीदेंगे। कितना? 2000 रुपये, यानी 1 किलो का 20 रुपये होगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर सरकार ने बोला है कि आलू हम 20 रुपये किलो खरीदेंगे, और मान लो कि उस साल क्या हो गया, बहुत सारा आलू हो गया, तो आलू क्या हो जाता, सस्ता हो जाता। तो भाई सरकार ने बोला तो 20 रुपये में खरीदेंगे, तो कम से कम 20 रुपये में तो आलू बिकेगा ही बिकेगा, महंगा बिक सकता है लेकिन इससे सस्ता नहीं जाएगा। तो इसी को बोलते हैं MSP, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी इतने में सरकार क्या करेगी, खरीद करेगी। तुम सबने देखा होगा ना, कई बार किसी फसल का इतना ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, इतनी ज़्यादा पैदावार हो जाती है कि भाई जो चीज़ मान लो कि जैसे मान लो टमाटर है, टमाटर जैसे मान लो कि इस साल 80 रुपये में बिक रहा है, तो किसान को लगेगा भैया टमाटर उगा लो। तो मान लो सभी लोग अगर टमाटर उगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टमाटर के भाव कम हो जाएंगे। मान लो जो 80 रुपये में टमाटर बिक रहा हो 20 रुपये में बिकने लग जाएगा, और मान लो जिसने सोचा भैया कि 80 रुपये में टमाटर बिकेगा 20 रुपये में बिकेगा, तो क्या होगा, किसान को बहुत घाटा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता, किसान फसल का उत्पादन करे, और कहीं उत्पादन ज़्यादा हो गया तो किसान को घाटा ना हो जाए, इसलिए सरकारें क्या करती हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ऐलान करती हैं, ठीक है। तो पंजाब में हमेशा जो सरकारें रहीं वहाँ की जोरा, उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया, MSP ज़्यादातर फसलों पर पंजाब में रही, ठीक है, ज़्यादातर फसलों पर पंजाब में उसमें मिलती है, इसलिए पंजाब का जो एग्रीकल्चर बेस है वो बहुत मजबूत रहा। वैसे भी तुम सबने देखा होगा ना कि पंजाब में ज़्यादातर सरसों का साग और उसको खा रहे हैं, ठीक, रोटी बनाकर खाते हैं ना। तो कहने का मतलब कि पूरा एग्रीकल्चर बेस है, यानी पंजाब का जो विकास है एग्रीकल्चर मॉडल के बेस पर विकास हुआ। देखोगे ना किसान आंदोलन में पंजाब के लोगों को देखोगे ना कितनी ट्रैक्टर ट्रॉली और काफ़ी चीज़ों को आप सबने देखा होगा ना, बाकी TV में किसान ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो काफ़ी अमीर हैं और काफ़ी धनाढ्य किसान, धनाढ्य का मतलब यानी वहाँ पर जो किसान हैं काफ़ी यानी काफ़ी अमीर टाइप के हैं, यानी बहुत ज़्यादा उनके पास खेत हैं और अच्छी खासी वहाँ पर एग्रीकल्चर बेस है। तो पंजाब का जो पूरा मॉडल है वो एग्रीकल्चर बेस का मॉडल है, ठीक है। अगले स्टेट की बात करेंगे भाई गुजरात की, तो गुजरात का विकास मॉडल क्या रहा, तो गुजरात का जो विकास मॉडल है वो है भैया भरपूर नौकरी, कम महंगाई, ज़्यादा कमाई, तीव्र गति से विकास। एक गुजरात का मॉडल है कि भैया भरपूर नौकरी, यानी गुजरात में खूब नौकरी मिले, कम महंगाई रहेगी, ज़्यादा कमाई होगी, तीव्र गति से विकास हो रहा है, सुरक्षा में विकास जीवन संपूर्ण गुजरात के मॉडल की चर्चा है। गुजरात में विकास को आम जनता की सहभागिता से विकसित किया। देखो गुजरात का मॉडल क्या है, गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगी भैया, कंपनी लगी है, इंडस्ट्री लगी है। और जैसे नरेंद्र मोदी की, यानी 2002 से अगर आप देखो कि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और 2013 तक 14 तक मान लीजिए जब तक वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं, उस फेज में अगर आप देखोगे तो सन 2001 से लेकर के जब वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं और लगभग उस फेज में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर क्या रहा कि गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगी, इंडस्ट्री लगी, और इंडस्ट्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने क्या दिया, कानून में छूट दे देना, और कंपनियों की हित में ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात सरकार ने कानून बनाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्री हो गुजरात में लगे, यानी माहौल बना। देखा होगा ना बंगाल छोड़ करके रतन टाटा कहाँ चले गए, गुजरात में चले गए ना। तो भाई वही बात है ना कि गुजरात में, दूसरा गुजरात का जो मॉडल है वो एक गुजरात में रहा कि भाई कंपनियां तो बहुत लगी लेकिन उन्होंने पर्यावरण को नहीं देखा कि भाई पर्यावरण की हालत कैसी हो रही, हो नहीं होने दे, लेकिन हमें जो डेवलप यानी ज़्यादा यानी कंपनी लगाने के लिए जो उद्योगपति हैं उनको सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा क्या दी, सहूलियतें प्रदान करी, और वहाँ का उनका जो बेस यानी गुजरात जो डेवलप हुआ वो कंपनियों के जरिए। दूसरा जो गुजरात का डेवलपमेंट होने का रीज़न है क्योंकि समुद्री इलाका भी है, क्योंकि गुजरात क्या है,
समुद्री इलाका है वो भी रहा, और गुजरात का जो डेवलपमेंट कह सकते, पहले भी आप सूरत देखोगे, अहमदाबाद देखोगे, तो पहले भी डेवलपमेंट आप इतिहास में हिस्ट्री में भी उठाकर देखोगे तो गुजरात रहा। लेकिन जब से अगर आप देखोगे नरेंद्र मोदी जब से वहां पर मुख्यमंत्री बनते हो, लगभग 12-13 साल के अगर आप फेज को देखोगे, तो वहां पर कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा छूट देना, ज्यादा से ज्यादा रियायत देना, उद्योगपति के समर्थन में कानून बनवा देना, या उद्योगपति के सब यानी उनको यानी किसी भी को भैया कंपनी लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, तो आराम से वह कंपनी और फैक्ट्री को लगा सके, पर्यावरण कुछ हो रहा उसका कोई मतलब नहीं है। इस आधार पे पूरा गुजरात का मॉडल है, आप इसको पढ़ेंगे तो पूरा सिनेरियो यही निकलेगा। ठीक है, अगला हम बात करेंगे तमिलनाडु के मॉडल की। बात करें भाई तमिलनाडु का मॉडल कैसा है, तो तमिलनाडु का मॉडल आप सबने सुना होगा, वहां पर एक मुख्यमंत्री है जे जयललिता, ठीक है, जो AIDMK, अभी हमने DMK की बात की। तो तमिलनाडु का जो मॉडल है वो, उस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो तमिलनाडु का मॉडल जो है, तमिलनाडु में बेहतर सुविधा शिक्षा सुविधा है का इतिहास है, इस राज्य ने औद्योगिक विकास और सामाजिक आधार प्रदान किया, यानी उन्होंने तमिलनाडु ने औद्योगिक विकास भी किया है, शिक्षा को भी काफी अच्छे से देखा है, तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा केंद्र बन चुका है, और राज्य ने औद्योगिक गलियारा भी बनाने का, और दूसरा तमिलनाडु के डेवलपमेंट होने का सबसे बड़ा रीजन है कि राज्य ने कल्याणकारी योजनाएं चलाई, कल्याणकारी योजना का मतलब वेलफेयर स्कीम चलाई है, जिस प्रकार से आप देखते हो केजरीवाल दिल्ली में फ्री कर रहा ना, केजरीवाल को आइडिया कहाँ से आया, तमिलनाडु से आ रहा है। ठीक है, ये तमिलनाडु में जय जयललिता भी थी, वो भी यानी जनता को ज्यादा से ज्यादा क्या देना, सुविधाएं देना, इसी को बोलते कल्याणकारी योजनाएं, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जनता को ज्यादा से ज्यादा क्या देगी, भाई घर बनाने के लिए सपोर्ट कर देना, कम पैसे में खाना दिला देना, कपड़े दिला देना, राशन दिला देना, आने जाने का खर्च कम करवा देना, अच्छे स्कूल बनवा देना, तो इस प्रकार से यानी तमिलनाडु का जो मॉडल क्या है, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम का है। ठीक है, और गरीबों को भोजन दे देना, गरीब आदमी को खाना दे देना, देखा होगा ना तमिलनाडु में जो नेता होता ना वो भगवान के बराबर होता ना, देखा होगा ना, अरे जे जयललिता की अगर मैं बात करूँ, जे जयललिता के जो आगे उनकी अगर MGR की बात करूँ, ठीक है, तो ये पूरी फौज है। तो दूसरा एक चीज आपने ये भी देखा कि तमिलनाडु, अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ, साउथ की अगर बात करोगे, तो जितने लोग फिल्म लाइन में फिल्म स्टार होते हैं वो एक समय आकर के क्या पॉलिटिक्स में आ जाते हैं ना, जैसे अगर मैं MGR की बात करूँ, MG रामाचंद्रन, आज जाकर के टाइप करना MGR, ठीक है, उनको भारत रत्न भी मिल चुका है, वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं MGR, ठीक है, और MGR की ही पार्टी को आगे जयललिता ने बढ़ाया। ठीक है, MGR क्या थे, फिल्म बनाते थे, मूवी बनाते, डायरेक्टर हैं थे, और वो डायरेक्टरी छोड़ करके क्या राजनीति में आ जाती हैं। जयललिता कौन थी, जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, वो भी फिल्मों में थी, हीरोइन थी, ठीक है भाई, एक्ट्रेस थी, और बाद में वो राजनीति में आ जाती हैं, MGR के साथ जुड़ जाती हैं। और देखा होगा जयललिता का बहुत मास बेस यानी बहुत ग्रास लेवल की रूटर है, तुम सबने सुना होगा ना जयललिता का जब डेथ हुआ था, तुम सबने सुना होगा कि कई सारे तमिलनाडु के लोगों ने फांसी, अरे अम्मा मर, क्योंकि वहां पर जयललिता को क्या बोलते, अम्मा, अम्मा का मतलब होता है कि उस टाइप से उनको बोला जाता था, उनका जो निकनेम है ना अम्मा करके, ठीक है, तो यानी तमिलनाडु में जयललिता का इतना ज्यादा बेस था, बेस क्यों है, रीजन क्या है, या कह सकते हो कि जयललिता की डेथ होने से कि लोग वहां पर सुसाइड कर ले रहे हैं, इसका रीजन क्या, क्योंकि वहां की जो सरकार है उसने क्या किया, लोगों को इतनी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी है कि एक प्रकार से वही सरकार चाहते थे, या उनके साथ कनेक्ट उनका बहुत ज्यादा था, तो यानी वही मैं आपको बता रहा हूं कि कल्याणकारी योजनाएं, यानी जिस प्रकार से आप दिल्ली में देखते हो कि केजरीवाल की जो सरकार है वो क्या एक प्रकार से क्या चल रही, वेलफेयर, यानी वेलफेयर स्कीम के जरिए वो क्या कर रहे हैं, वोट बैंक को ले रहे हैं, तो उसी प्रकार से तमिलनाडु की जो सरकार है उन्होंने तो बहुत पहले से वहाँ चल रहा, तो यही सारी चीज़ें हैं। यानी तमिलनाडु का जो बेसिक मॉडल क्या है भाई, एजुकेशन को अच्छा कर देना, महिला शिक्षा पर बढ़ावा देना, ठीक है, और जैसे औद्योगिक विकास करना, तमिलनाडु में औद्योगिक विकास भी काफ़ी अच्छा है, आज के बहुत समय पहले काफ़ी अच्छा है तमिलनाडु का, वहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर की काफ़ी कंपनियाँ हैं, और राज्य ने क्या किया है, जैसे गरीब लड़कियों को, लड़की का जन्म होता है तो उसको भाई पढ़ने के लिए पैसा देना, शादी के लिए पैसा देना, ठीक है, और जैसे गरीब आदमी को टेलीविजन, अरे जयललिता की सरकार लोगों को TV देती थी, यानी क्या जैसे TV में सो बीमारी वाली TV नहीं भाई, ठीक है, टेलीविजन की मैं बात करूं, ठीक है, TV देना, साइकिल देना, इस प्रकार की चीज़ें वहां पर इनको प्रदान की जाए, लड़कियों के लिए साइकिल, स्कूटी, या जैसे मध्यांतर भोजन के लिए कम से कम 5 रुपए में खाना मिल जाए, अम्मा कैंटीन चलवाना, तो इस प्रकार की चीज़ों से उन्होंने क्या किया है, तमिलनाडु को आगे से आगे बढ़ाने का। तो तमिलनाडु का जो बेसिक मॉडल है कि भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर, यानी ऑटोमोबाइल के मीन्स होता है कि 4-व्हीलर, ठीक है,
ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने क्या कर दिया, कंपनी वंपनी लगवा दी भाई, अच्छा खाना मिल रहा, अच्छा भोजन मिल रहा, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आदमी के लिए या जो लोअर क्लास वाले लोग हैं उनकी ज़्यादा ज़्यादा हेल्प कर रही है, वेलफेयर स्कीम चल रही है। तो तमिलनाडु का जो मॉडल है बेसिकली यही मॉडल है, ठीक है। अन्य राज्यों की अगर मॉडल की बात करें तो आप दिल्ली मॉडल की बात कर सकते हैं, केजरीवाल का जो भी एक बेसिक मॉडल है। अगर आप नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार का मॉडल क्या, तो भाई नीतीश कुमार ने क्या करता बिहार में, तो नीतीश कुमार ने बिहार में क्या किया, सारा तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, क्या बनाया, सड़क बनवाई, हाईवे बनवाया है, ठीक है। अगर आप देखा कि नीतीश कुमार भी बिहार में लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एक लॉन्ग टर्म से, यानी 2015 से लेकर के अब, हाँ पार्टी बदल इधर उधर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि उनका जैसे बिहार, अगर मैं बिहार के मॉडल की बात करूँ और खास करके नीतीश कुमार की, अगर एक तो सुशासन, सुशासन मीन्स होता है कि भाई भ्रष्टाचार कम होना, बिना भ्रष्टाचार यानी नो करप्शन है। दूसरा मैं कुछ खास बातें बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। एक तो क्या है, सुशासन मीन्स होता है कि अच्छा सा शासन चलाना, भ्रष्टाचार कम होना, इसको बोलते हैं सुशासन, उसके लिए उनका टाइटल भी है सुशासन बाबू बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, अरे सड़क बनवा देना, हाईवे बना देना, वही है विकास है, ठीक है। नल जल ये दो चार योजनाएं चला देना, यही है बेसिकली। केजरीवाल को तो आप काफ़ी जानते होंगे, तो उनका मॉडल तो काफ़ी लोग अब पहचानते हैं, क्या है, क्या बेसिक है। तो यही यानी अन्य कुछ राज्यों के मॉडल में आप इनको लिख सकते हैं। तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, ओवरऑल आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा क्या है, 73वां संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में ग्रामीण सरकारों के लिए संवैधानिक प्रावधान। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ, तो जो आप सबने सुना होगा ना, गांव में ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा जो बनी उसको संवैधानिक किस प्रकार, देखा होगा ना, गांव की ग्राम सभा बन गई, तो ग्राम सभा के बारे में, पंचायती राज के खेसली हमें पंचायती राज को जिक्र करना, पंचायती राज के बारे में हम बात करेंगे। देखो ध्यान सुनना, ठीक है, 20 अप्रैल 1993 को कह सकते हो कि भारत के राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति प्रदान की और संवैधानिक संशोधन ने 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। और भारत में जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, इसका मतलब था कि अब भैया जो पंचायतें हैं इनको भी क्या मिल गया है, संवैधानिक अधिकार मिल गया, यानी अब पंचायतें भी संवैधानिक अधिकार मिलेगी, यानी अब क्या है, ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा, ग्राम सभा मीन्स वही होती है जिसको हम ग्राम पंचायत बोलते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा। इस अधिनियम ने ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका को पुनर्स्थापित किया, लोकतंत्र की शक्ति की प्राथमिक स्रोत गांव हो गया। यानी तीन प्रकार की सरकारें हो गई ना, एक केंद्र सरकार है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, दूसरा हमारी स्थानीय सरकार जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ग्राम सभा के रूप में आई, ठीक है, वह स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित हुई, यानी ग्राम सभा जो होगी स्थानीय लोकल इशू जो होंगे उनको लेकर के क्या करेगी, ग्राम सभा सारी चीजों को करेगी, ठीक है। इसको ग्राम सभा की स्थापना की गई और ग्राम सभा को त्रिस्तरीय बनाया गया, तीन टाइप की ग्राम सभा होगी। किस प्रकार की, एक गांव के लेवल पर होगी जिसको हम ग्राम सभा बोलते हैं, दूसरा माध्यमिक होगी जिसको ब्लॉक स्तर पर बोलते हैं। आपने ब्लॉक स्तर पर भी देखा हो ना, ब्लॉक स्तर, ब्लॉक प्रमुख या होते हैं, ब्लॉक स्तर समितियां होती हैं, यानी एक गांव के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पे, यानी गांव के स्तर पर एक सभा होगी, दूसरा ब्लॉक पर, देखा होगा ना ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, या ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा एक चीज़ मैं बताऊँ, जिले के स्तर पर है, ठीक है, जिला पंचायत पंचायत का इलेक्शन होता, सुना है, यानी जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई, किस तीन लेयर है, ठीक है। यानी अगर आप देखो तो पंचायती राज में अगर हम देखेंगे तो पंचायती राज में तीन लेयर है, यानी एक गाँव का लेयर है यानी ग्राम पंचायत, दूसरा है ब्लॉक है, ठीक है, तीसरा है जिला, यानी हम डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। तो एक तीन लेयर इसमें बनाए गए, सीटों का आरक्षण किया गया। तो भाई 73वां संविधान संशोधन में जब ग्राम पंचायत आई तो इसमें सीटें भी निर्धारित की गई। इस अधिनियम में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, ठीक है, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, और पंचायतों में जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण मिलेगा, यानी एससी एसटी को भी क्या मिला, इसमें आरक्षण दिया गया। और खास तौर से जिला पंचायत में कह सकते हैं और स्थानीय प्रशासन में महिलाओं को 33% के आरक्षण, यानी कह सकते भाई कि अगर मान लो पंचायत का इलेक्शन हो रहा है तो अगर 100 कैंडिडेट हैं तो उसमें 33 जो कैंडिडेट होंगे क्या होंगी, महिलाएं होंगी, ठीक है, महिलाओं के, यानी 33% आरक्षण किसको दिया गया, महिला उम्मीदवारों को, यानी 33% सीटें, कम से कम एक तिहाई भाग महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया ग्राम पंचायतों में। गाँव या अन्य किसी स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष के कार्यकाल को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। और चौथा क्या की गई, पंचायतों की बनावट, पंचायत के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराए, यानी जो पंचायत होगी उसके लिए बाकायदा क्या होगा, इलेक्शन करवाया जाएगा, प्रत्यक्ष यानी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, ठीक है। और गाँव के ऊपर अध्यक्ष
का चुनाव उसी ढंग से होगा जिस ढंग से विधायिका करेगी। पंचायतों की अवधि, और जो पंचायत बनेगी वो 5 साल की बनेगी, उसका टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया 73वां संविधान संशोधन में कि जो पंचायत होगी वो 5 साल के लिए रहेगी और 5 साल क्या करेगी पंचायती की। दूसरा, चुनाव का संचालन, यानी जो पंचायत होगी और एक पूरी तरीके से इलेक्शन होगा, और जो राज्य चुनाव आयोग है यही पंचायतों का इलेक्शन भी करवाएगा। यानी क्या होगा, महिलाओं को 33% आरक्षण, SC ST को आरक्षण, ठीक है। दूसरा, पंचायतों की समय सीमा, 5 साल के लिए पंचायत होगी, इलेक्शन होगा, ठीक है, और इलेक्शन किया गया, ठीक है। वित्तीय आयोग की भी स्थापना की गई, पंचायतों को वित्तीय, यानी ये सभी लोग टैक्स भी वसूल सकते हैं इस प्रकार के। और पंचायतों को भी कई सारे ऐसे कानून थे, ध्यान रखना मैं बता, पंचायतें जो हैं वो लगभग कितने टोटल अगर आप देखोगे 29, यानी 39 विषयों पर पंचायतें भी कानून बना सकती हैं। किस कितने विषय पर भाई, 39 सब्जेक्ट ऐसे, यानी 29 सब्जेक्ट ऐसे हैं, ठीक है, 29 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जैसे सिंचाई है, जल प्रबंधन है, कृषि है, कृषि का विस्तार है, भूमि सुधार है, सामाजिक वनिकी है, पशुपालन है, डेयरी है, मछली है, मछली पालन है, खादी ग्राम उद्योग है, ग्रामीण आवास है, ईंधन चारा है, औपचारिक शिक्षा है, पेयजल है, सड़क पुढ़िया निर्माण है, घाट निर्माण है, ग्रामीण विद्युतीकरण है, सामाजिक गतिविधियाँ हैं, गरीबी उन्मूलन है, पुस्तकालय, इस प्रकार के ऐसे कुल मिलाकर के 29 सब्जेक्ट पर पंचायतें भी क्या कर सकती हैं, कानून बनाने को उनको अधिकार दिया गया। और ये पंचायतों का गठन 73वां संविधान संशोधन में किया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा, 73वें संविधान संशोधन में सरकारों के लिए संवैधानिक प्रावधान कर दिए, ये सारी चीज़ें संविधान में लिख दी गई है, एक प्रकार से ये भी संवैधानिक संविधान में आ जाती हैं, ठीक है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको इसी प्रकार से इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्षेत्रीय नेतृत्व की प्रकृति बताओ, क्षेत्रीय नेतृत्व, लोकल लीडरशिप, ठीक है। तो क्षेत्रीय नेतृत्व हमारे देश में कैसा है उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो क्षेत्रीय नेतृत्व के बारे में तो आप सब लोग वैसे भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्षेत्रीय नेतृत्व का मतलब होता है कि हमारे जो राज्य हैं कौन से, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, तमिलनाडु है, केरल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, तो इन राज्यों में लोकल लीडरशिप हमारी किस प्रकार की है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रीय राजनीति किस प्रकार से चल रही है, ठीक है। तो क्षेत्रीय राजनीति को लेकर के आप अलग अलग स्टेट के कुछ लीडर हैं, कुछ नेता हैं, उनको लेकर के आप कह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्षेत्रीय लीडर भी हैं, क्षेत्रीय चीज़ें। तो क्षेत्रीय राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति कैसे, देखो क्षेत्रीय जो लीडर हैं, जो नेता हैं, ज़्यादातर भाई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, इसी के आधार पर तो सारे क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं ना, सारा उन्हीं का उसी के आधार पर है ना। जैसे राज्यों में बहुलवादी व्यवस्था है, यानी कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आप देखते होंगे। जैसे बिहार में अगर बात करूंगा, बिहार की अगर आप बात करोगे तो वहां पर क्या है, बहुदलीय व्यवस्था, कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां ना, भाई नीतीश कुमार की पार्टी है, लालू यादव की पार्टी है, नीतीश कुमार की जैसे JDU है, ठीक है, लालू यादव की जैसे RJD है, कांग्रेस भी है, BJP भी है, रामविलास पासवान की पार्टी, अब तो रामविलास जी है नहीं बल्कि उनका जो लड़का है वो संभाल रहा पार्टी को, तो वहाँ पर कई सारी क्षेत्रीय पार्टियाँ अगर हम बात करेंगे, ठीक है। बिहार में अगर आप देखोगे तो जाति को लेकर के और कई सारे को लेकर के हमेशा वहाँ इलेक्शन होता है, या कई सारे क्या हो रहे हैं, ईसूर्ज रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप यूपी में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में BJP कांग्रेस है, वहाँ पर देखोगे तो मुलायम यादव, जैसे देखोगे SP BSP, अब तो मुलायम सिंह यादव है नहीं बल्कि वो अखिलेश यादव पार्टी को संभालते हैं, मायावती और भी कई सारे अन्य क्षेत्रीय दल उत्तर प्रदेश में भी देखोगे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे SP BSP RLD BJP, अन्य जातियाँ, जाति आधारित वहाँ पर भी चीज़ें चल रही हैं, तो इस प्रकार से इन दो स्टेटों को आप लिख सकते हैं। तो ये क्या है, क्षेत्रीय नेतृत्व की पूरी प्रकृति है। अगर आप देखोगे मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु का भी मैंने जिक्र किया था, DMK का, AIDMK, जयललिता, करुणानिधि के, अब अभी देखोगे तो वहाँ पर किस प्रकार से स्टाइलिंग सरकार बनाए हुए हैं, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, क्षेत्रीय दल है कुछ में क्षेत्रीय। जैसे उड़ीसा की बात करोगे तो बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की सरकार चल रही है, तो उनकी अगर मैं बात करूँगा तो आप देखोगे तो भाई 1 किलो रुपए में चावल दे करके गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे करके सरकार चला रहे हैं लंबे समय से। अगर सन 2000 से लेकर के आज मैं पढ़ा रहा हूँ, 2023 चल रहा है, तो लगभग 23 साल हो गया लंबे समय से मुख्यमंत्री बने हुए उड़ीसा के, कौन, नवीन पटनायक, ठीक है। लंबे समय से BJD की सरकार वहाँ पर चल रही है, भी एक क्षेत्रीय पार्टी वहाँ पर लंबे समय से क्या कर रही है, शासन कर रही है,
ठीक है। दूसरा अगर आप बंगाल की बात करोगे तो वहां पर टीएमसी, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी है, वो भी क्या कर रही है, एक लंबे समय से या लॉन्ग टर्म से क्या कर रही है, सरकार में वो भी लोग बने हुए हैं, वो भी गवर्नमेंट चला रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म उनकी पॉलिसी चल रही है। तो ये क्या है, क्षेत्रीय दल हैं, ठीक है। चुनावी राजनीति में ये क्षेत्रीय दलों को आप कह सकते हैं, ये सारी क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व को आप लेकर के चर्चा कर सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रीय दलों का नेतृत्व। और भी कुछ हम क्षेत्रीय दलों के बारे में चर्चा, जैसे हरियाणा की बात करो तो यहाँ पर भी हरियाणा में अगर आप देखोगे आर कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां यहाँ पर भी हरियाणा में भी रही हैं। पंजाब की खास तौर से बात करता हूँ, फिर हरियाणा पंजाब में अगर आप देखोगे अकाली दल, अभी लेटेस्ट में ही प्रकाश सिंह बादल की डेथ हुई है तो वहाँ पर अकाली दल रहा है, ठीक है, जो शिरोमणि अकाली दल हम बोलते हैं, लंबे समय तक वो पंजाब में सरकार में भी रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर देखोगे तो वो भी पंजाबियत को लेकर के, पंजाबी अस्मिता को लेकर के लंबे समय तक उन्होंने क्या किया, राजनीति की। हरियाणा की जैसे मैंने बोला था तो हरियाणा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी किसान राजनीति का लंबे समय से, अगर आप देखोगे तो चौटाला की जो पार्टी है, ठीक है, तो उन्होंने शासन किया, ठीक है, ये किसान फार्मर पॉलिटिक्स रही है, ठीक है। यूपी बिहार का तो मैंने बता दिया, तो और भी अगर मैं क्षेत्रीय दलों की बात करूँ तो कई, जैसे अगर आप देखोगे तो, और अन्य राज्यों में जैसे अगर मैं बात करूँ तो, जैसे आप देखोगे तो केरल में भी कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां वहां पर विराजमान है। तो क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व की जो प्रकृति है वह ज़्यादा से ज़्यादा किस आधार पे है, क्षेत्रीय असीमता को लेकर के। जैसे ममता बनर्जी की पार्टी है तो भाई बंगालियत को लेकर के पूरा इलेक्शन लड़ती है, पूरा देखा होगा। उसी प्रकार से नीतीश कुमार की पार्टी, अगर मैं लालू यादव की पार्टी की बात करूँ, आरजेडी और जेडीयू की बात करूँ, तो भी कई प्रकार से लेकर के बिहारी अस्मिता को लेकर के इलेक्शन में जाते हैं और बिहारियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेहतर हों इस चीज़ को लेकर के। उसी प्रकार से अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु में भी आप देखो, चाहे वो डीएमके हो चाहे एआईडीएमके हो, उस प्रकार से चीज़ों को करने के। नहीं, क्षेत्रीय नेतृत्व ज़्यादातर राज्यों में, अगर क्षेत्रीय नेतृत्व अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर क्या है भाई, जो जो मुख्यमंत्री है एक ही परिवार के लोग, परिवारवाद भी बहुत ज़्यादा है ना। अरे भाई परिवारवाद भी, पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा है ना, देखते नहीं हो। अब एक राज्य, बड़े राज्य का हम लोग, मैंने बताया नहीं, ठीक है, जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, अमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, वहाँ पर भी है, यही नेचर है। तो क्या है, हमारे क्षेत्रीय जो दल है उनका नेतृत्व किस प्रकार का है, तो भाई क्षेत्रीय अस्मिता की बात करते हैं, ठीक है, अपने क्षेत्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। जातीय आधार है उनका, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी क्षेत्रीय दल है वो जातीय आधार पर, कास्ट के आधार पर पूरे इलेक्शन को कंपेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो और दूसरा अगर उनके हम नेतृत्व की बात करें तो जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, भाषा को लेकर के, इस आधार पर क्या होती है उनकी पूरी राजनीति होती है। वंशानुगत चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, यानी जो हैं उनके, उन्हीं के परिवार का मुख्यमंत्री बनता, उन्हीं परिवार के लोगों के सारे चीज़ वही बनते हैं। तो इसी प्रकार से वो क्षेत्रीय नेतृत्व की प्रकृति रही है। तो 20 नंबर में लगभग यही सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से लगभग 200 शब्दों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें अगर आप देखोगे त्रिभाषा सूत्र क्या है, ठीक है भाई, त्रिभाषा जो फार्मूला है वो लेकर के आया था जब भाषा को लेकर के राजनीति हुई थी देश में, ठीक है, त्रिभाषा फार्मूला, ठीक है। तो त्रिभाषा जो फार्मूला, फार्मूला सर 200 200, त्रिभाषा फार्मूला की अगर मैं बात करूँ ना, जब राज्य स्वायत्तता की मांगे उठी थी, ठीक है, राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें की जाए, तो वहाँ पर त्रिभाषा का फार्मूला आया था। त्रिभाषा फार्मूला का मीन्स ये था कि भाई एक इंग्लिश लैंग्वेज, एक हिंदी लैंग्वेज और एक रीजनल लैंग्वेज, ये तीन, ठीक है, पहली क्या होगी इंग्लिश, ठीक है, दूसरी हिंदी और तीसरी एक क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज, इन तीन के आधार पे चीज़ों की किया जाए। जब भाषा के आधार पे राज्यों के गठन की बात की गई, जब हिंदी को बोला गया कि भाई पूरे देश में हिंदी का विस्तार होना चाहिए, तमिलनाडु से इसकी बड़ी हिंदी को लेकर के बड़ी मांग उठी, त्रिभाषा फार्मूला को लेकर के उन्होंने चीज़ों को किया थे। त्रिभाषा तीन लैंग्वेज को लेकर के उन्होंने देखा होगा, कई राज्यों में देखा होगा कि वहाँ पर जो सरकारें हैं, अगर 10th में देखोगे, 12th में देखोगे, तो इसी प्रकार से सिलेबस को भी रखती हैं, एक हिंदी होती है, इंग्लिश होती है और एक उनकी रीजनल लैंग्वेज। जैसे अगर आप देखो त्रिभाषा फार्मूला, जैसे अगर महाराष्ट्र में, जैसे अगर महाराष्ट्र की बात करूँ तो जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मराठी हो गई, गुजरात में अगर आप देखोगे तो हिंदी इंग्लिश गुजराती होगी, तमिलनाडु में
क्या होगी यहाँ पर भी कि हिंदी इंग्लिश हो गई और उनकी रीजनल लैंग्वेज हो गई। बंगाल में देखोगे तो हिंदी इंग्लिश और बंगाली, तो इस त्रिभाषा फार्मूला उसी को लेकर के आया था कि तीन भाषाओं को लेकर के एजुकेशन सेक्टर की बात करें या भाषा मान्यता को बात करें कि किन किन भाषाओं को मान्यता दी जाए, तो त्रिभाषा फार्मूला को आप लोग फॉलो कीजिए। तो भाषा की जो राजनीति थी वहाँ से उठ कर के आया था त्रिभाषा फार्मूला कि तीन भाषाएँ होनी चाहिए, तीन लैंग्वेज होनी चाहिए, उस आधार पर ये त्रिभाषा फार्मूला को ये लोग लेकर के आए थे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है भाई, नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करेंगे तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगर बारे में बात करूँ, आप सबने बीच में भी देखा होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन यात्रा भी चली जिसमें शिवराज सिंह चौहान को लेकर के उन्होंने काफ़ी इसमें अग्रसर थे नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर के। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगर मैं बात करूँ तो नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है वो मुख्यतः गुजरात में नर्मदा नदी पर बनने वाले बांध को लेकर के विरोध में हुआ था कि भाई नदी पर जो बांध बन रहा था उसके विरोध में। क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? गुजरात में नर्मदा नदी पर जो बांध, एक दो राज्यों को लेकर के है, गुजरात और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो भाई एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा जो गुजरात और मध्य प्रदेश में बहती है, इस नदी पर बांध बनना था और इस बांध जो बन रहा है इसी के विरोध में लोगों ने क्या किया था, आंदोलन किया था, उसी को हम क्या बोलते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। जिसका कौन सा बांध बन रहा था? सरदार सरोवर परियोजना के तहत बांध बन रहा था। ठीक है, यह आंदोलन वर्तमान समय में भारत में पर्यावरण परिस्थिति, यानी लोग कह रहे थे अगर बांध बनेगा पर्यावरण नहीं रहेगा, इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा बांध को लेकर के। ठीक है, आंदोलन ठीक है आया। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1991 में, कब है भाई नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ? 1991 में, यानी 1991 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ जब सरदार सरोवर परियोजना का शुभारंभ हुआ। सरदार सरोवर परियोजना ने अपने प्रस्तावित समय से ही विवाद में रहा है। परियोजना बनने में लगभग 37,000 हेक्टेयर भूमि जल डूब रही थी जिसमें 11,000 वन की भूमि डूबना था, साथ ही साथ लगभग 250 ग्राम और लगभग 1,00,000 लोग जो गाँव में पानी में डूब जाती। परियोजना की देखरेख में बनते समय ही इन बातों को लेकर के महसूस किया गया। तो जो सरदार सरोवर बन, महाराष्ट्र और गुजरात और तीन राज्यों को इसके लेकर के प्रभावित है, बेसिकली गुजरात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को लेकर के इसमें शुरुआत में तो इन तीनों राज्यों ने विवाद हो गया, लेकिन विरोध और विवाद का निपटारा भी इस परियोजना को लेकर के किया गया। तो इसको लेकर के काफ़ी आंदोलन भी रहा। ठीक है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर के। ठीक है, 1991 में जब सरदार सरोवर परियोजना की शुरुआत की गई ना, तो इस परियोजना में विश्व बैंक और अन्य विदेशी निवेशकों ने रुचि दिखाई, भाई लोगों ने अपना पैसा लगाया। इस परियोजना के शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन का। भैया नर्मदा बचाओ का जो सरदार सरोवर परियोजना थी जो नर्मदा नदी पर बांध बन रहा था, किसने विरोध किया? स्थानीय लोगों ने, लोकल लोगों ने विरोध किया, भाई बांध नहीं बने, चीज़ों को लेकर के विरोध हुआ। ठीक है, यह परियोजना नर्मदा नदी पर बांध बनने से संबंधित थी। कौन है? सरदार सरोवर जो परियोजना नर्मदा नदी पर बांध बन रहा था, इसी को लेकर के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। ठीक है, और बात यह थी कि नर्मदा पर अगर बांध बनता ना तो बहुत सारे लोगों को विस्थापित होना पड़ता, जैसे गांव के लोग उनको घर छोड़ करके जाना पड़ता। जैसे मान लो बांध बनेगा तो बहुत बड़ा या डैम बनेगा, बांध बनेगा तो भाई आसपास के लोगों को हटाना पड़ेगा ना, तो भाई उन कहाँ जाएंगे, उनको विस्थापित किया जाएगा, हटाया जाएगा बहुत सारे गाँव को। तो उन लोगों ने विरोध किया, नहीं नहीं हम यहीं रहेंगे, हमें हटाया नहीं जाना चाहिए, इसको लेकर के विरोध हुआ था। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना, इस यानी कह सकते जो सरदार सरोवर परियोजना जो नर्मदा नदी बांध रहा था, इसी बांध बना था, इसी बांध ना बने इसके विरोध में जो आंदोलन हुआ उसी का नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के आंदोलनकर्ताओं का कहना था इस परियोजना के बनने से अनेक समस्याएं, भाई नर्मदा बचाओ आंदोलन थे कि अगर ये बांध बनेगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा और सैकड़ों वर्ग क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, पर्यावरण में असंतुलन होगा, सरदार सरोवर निर्माण से बहुत क्षेत्र पर जल भराव के कारण उस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों को, नहीं भाई जो आसपास के लोग हैं जो गांव हैं उनको हटाना पड़ेगा और कहीं जाकर के रहना पड़ेगा, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं होंगी। और इन्हीं समस्याओं को देख करके ये आंदोलन को किया गया था कि भाई ये बांध ना बने। ठीक है, इसको लेकर के नर्मदा नदी पर बांध बनने से उस जल भराव होगा और जल भराव के कारण वहाँ स्थिर नीचे सयो और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी जिस कारण से इस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना बढ़ोतरी होगी। इस परियोजना में विस्थापित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। भाई नर्मदा बचाओ आंदोलन जब हो रहा था तो भाई जो विरोध कर रहे थे उन्होंने सरकार के सामने अपने पक्ष रखे, भाई इस परियोजना को जब बनेगा नर्मदा बांध बनेगा तो भाई लोग बहुत लोगों गाँव को हटाना पड़ेगा, तो भाई उनका अच्छे से पुनर्स्थापन करवाया जाए,
ठीक है, परियोजना से बिजली, सिंचाई और पीने के लिए जल प्रचुर मात्रा में प्राप्त होंगे। गुजरात को 1985 तक लगातार 4 साल भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। अगर यह परियोजना बनती तो यहाँ सूखे की स्थिति बचा सकते। करें भैया कि अगर बांध बनेगा तो भाई गुजरात में जो सूखे की समस्या हम उसको दूर कर सकते हैं। इन सारे लाभों के कारण उच्चतम न्यायालय ने भी इस परियोजना को हरी झंडी दे दी। कौन? सुप्रीम कोर्ट ने। भाई इसका विरोध हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई बांध बनना चाहिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन से लोग किसने इसका नेतृत्व किया, कौन नेता थे, लीडर थे? भाई मेधा पाटेकर, ठीक है, हाथों में थी। मेधा पाटेकर ने विस्थापितों के साथ कई दिनों तक क्या की भैया, भूख हड़ताल की। मेधा पाटेकर हैं, ठीक है, उन्होंने भूख हड़ताल की थी। उन्होंने पूरे देश का ध्यान पर्यावरण की ओर खींचा और मामले आज भारत जैसे विकासशील देश में नर्मदा घाटी परियोजना की जरूरत है। इन परियोजनाओं से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिक असंतुलन, स्थानीय लोगों का विस्थापन और अनेक सांस्कृतिक विरासत जैसे मुद्दों पर विचार करने का। भाई बांध बनना चाहिए, लेकिन उस बांध बनने से जो समस्याएं उस समस्याओं को भी सोल्व करना चाहिए। तो मेधा पाटेकर इसके एक लीडर थी, नेता थी, और उन्हीं के सपोर्ट में ये पूरा आंदोलन, उन्होंने भूख हड़ताल की थी। ठीक है, तो ये आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है जून 2022 का, इसको तो मैंने पूरा ही सोल्व करा दिया है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आपको सारा करा दिया है। और एग्जाम में भी अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसी साथ ही आपका जून 2022 वाला है उसको भी मैं इसी तरीके से सोल्व करवा दूंगा। ठीक है।